उम्मीद थी कि शायद भारद्वाज जी जुड़ जाते तो अच्छा था। चलिए, आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। और इस परिचर्चा में, जैसा कि विषय आप लोगों ने देखा ही है, और उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं आपसे करने की। विषय को लेकर के कई एक पक्ष हैं जिनके बारे में मुझे बहुत अस्पष्टता थी, और अस्पष्टता इसलिए भी थी कि बहुत भीतर से पिछले कई दिनों से एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था, परेशानी हो रही थी, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आ रही थी जो टीवी पर हम देख रहे थे और जो अखबारों में हम पढ़ रहे थे। इसलिए आप लोगों से जानने के लिए, समझने के लिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए ये आज की हमने परिचर्चा रखी है। और मैं चाहता था कि इस परिचर्चा को हम बहुत अनौपचारिक रूप में करें ताकि हमें समझ में आए। औपचारिक रूप में जब हम चर्चाएं करते हैं तो कई बार एकपक्षीय होकर के रह जाती हैं, और उनके कुछ पक्ष हमारे से छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि जो वक्ता होता है उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है, उसकी अपने एक सोच समझ की सीमा भी होती है। तो इसलिए हम कई बार उस तरह के विषयों को लेकर के सेमिनार्स में वो पक्ष सामने नहीं आते और हमारी सोच उस तरह की व्यापक नहीं हो पाती। तो इसीलिए इसका हम नाम परिचर्चा रखा था कि हम बातचीत कर सकें, क्योंकि ऐसा हमारा भी मानना है और ऐसा हम सभी जानते भी हैं कि हम सभी सभ्य लोग हैं और हम संवाद के मर्यादाओं को जानते हैं, समझते हैं, और इस बात में भी हमारी उत्सुकता है कि इसके जो विविध विविध पक्ष हैं उनसे हम परिचित होना चाहते हैं। और एक जो बात है जिससे आप लोग भी शायद सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घट रही हैं महाराष्ट्र में, वो सारे भारत को प्रभावित कर रही हैं और भारत के मानसिकता को भी प्रभावित कर रही हैं। और ये बात मेरे पे भी वैसी लागू है जैसे आप लोगों पे मुझे लगता है लागू होगी। मीडिया, जैसा कि आप ये सारा विषय इसके ऊपर देख ही रहे हैं स्लाइड पे, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, और हमारे साथ श्री अजय भारद्वाज जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे बाद लगभग 5 मिनट का एक तरह की इंट्रोडक्टरी टॉक उनकी रहेगी और फिर उसके बाद हम सीधे सीधे चर्चा के ऊपर आएंगे। संवैधानिक लोकतंत्र हमें समझाया गया है, सोशल साइंसेस में पढ़ाया गया है, और जो एक लोकतंत्र पहले रहता था जो कि सांस्कृतिक लोकतंत्र था, जिसमें आप कुछ स्वीकार करते हैं तो भी ठीक है, नहीं स्वीकार करते तो भी ठीक है, और इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि राजा कौन था और कौन नहीं था, जैसा कि हमारे पास इतिहास के प्राथमिक स्रोतों से हमें पता लगता है। जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बड़ा एक पक्षी और एकांगी इतिहास लिखा गया है और डिस्टॉर्टेड है, लेकिन जो संविधान की प्राथमिक जानकारियां हैं, इतिहास में प्राथमिक जानकारियां उपलब्ध होती हैं प्राथमिक स्रोतों से, उसमें इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजा कौन है और कौन नहीं है, लेकिन आपकी अपनी एक स्वतंत्रता थी। लेकिन यहां पर एक हमें संवैधानिक लोकतंत्र दिया गया है, इधर उधर से इकट्ठा करके, कुछ वेस्ट से इकट्ठा किया और कुछ वहां से इकट्ठा किया, और उसके बीच में हमें कई बार बताया गया कि उसमें जनसंचार मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ है, जिसमें जुडिशरी और ये जो संसद है आदि आदि ये सारी चीजें उसके बाकी 3 स्तंभ हैं। लेकिन जैसे ही आप आज की परिस्थितियों को देखते हैं, और मुझे लगता है कि विशेष रूप से जब से हमने इस मोदी गवर्नमेंट को देखा है 2014 से, तब से हम टीवी के ऊपर यही डिबेट सुनते आ रहे हैं कि उनकी आजादी छीन ली गई है और वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते आदि आदि, इस तरह की बातें हमने सुनी। लेकिन आज जब प्रत्यक्ष हम महाराष्ट्र में ये एक घटनाक्रम देख रहे हैं, जहां पर एक मीडिया चैनल जो है वो निरंतर कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि वहां की
गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़े ही एक डिसकंफर्ट की पोजीशन पैदा कर रहे हैं, चाहे वो साधुओं की हत्या है, चाहे वो सुशांत का केस है और आदि आदि। कुल मिलाकर के देखने में और सुनने में जो जितना हमारे आता है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि शायद ये सारी की सारी बात इतनी ही है। लेकिन उससे आगे जब आप देखते हैं, थोड़ा और गहरे जब देखना शुरू करते हैं, तो आपको मीडिया और राजनीतिज्ञों के कई बड़े गहरे संबंध आपस में दिखाई देते हैं, और वो मैं अगले 2-1 मिनट में आप लोगों के साथ स्पष्ट भी करूंगा। और तीसरा जो पक्ष बड़ा इस सारे में एक बड़ा विशेष रोल रहा है, भूमिका रही है, वो सारे पुलिस की रही है। तो जनसंचार, राजनीतिज्ञों और पुलिस के अंतर संबंधों को समझने का आज का ये एक उद्यम है कि ये अगर भारतवर्ष को वस्तुतः चला तो ये रही हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं और हम पढ़ा भी ये रहे हैं कि नहीं नहीं हम सब कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, कोर्ट की बात को मानते हैं। और आप नीचे स्लाइड्स के ऊपर देखिए कि एक तरफ जो है पुलिस, मीडिया और पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आता, या वो अपनी एक सुरक्षा ढूंढ लेता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैचमेंट की, कोई एक पोजीशन लेकर के। अब वो फॉर एंड अगेंस्ट कोई पोजीशन ले ले, कॉमन आदमी बस इतना ही कर पाता है, इससे अधिक उसकी कोई भूमिका होती नहीं है, सिवाय 5 साल में एक वो वोट का उसको भ्रम जो दे दिया गया है कि सरकार तुमने चुनी है और सरकार उसका क्या करती है ये हम देख ही रहे। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम दुहाई देते हैं। पहले हम धर्म की निंदा किया करते थे कि धर्म ने हमें लूट लिया, पीट लिया और हमें हर तरह से अपमानित कर दिया और बांट दिया, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन ने वही स्थिति हमारे साथ खड़ी कर दी है। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं में लिखा हुआ है कि आप उसकी निंदा इस तरह से नहीं कर सकते, संविधान में परिवर्तन कीजिए, वो जो भी करना है परिवर्तन वो कर सकते हैं जब आपके पास मेजॉरिटी हो। लेकिन संविधान ने निश्चित रूप से हमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बांट दिया, फिर दलित और सवर्ण में बांट दिया, और कितने सारे तरीके से हमें बांट दिया गया है इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम संविधान पर उंगली नहीं उठा सकते ऐसे, क्योंकि हमने संविधान को अपने आप को अर्पित करने वाली भाषा में बांध रखा है। तीसरा जो पक्ष है, जहां और भी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, कि वो जुडिशरी जो किसी टेररिस्ट के लिए आधी रात को भी दरवाजे अपने खोल सकती थी, वो किसी एक मीडिया हाउस के जो एडिटर है उसके लिए वो किसी भी मामले को कितना लटका सकती है। आज जो मुझे अभी दोपहर को आके सुनने को मिला कि उसको बेल नहीं दी गई है और उसको कहा गया है कि नीचे की कोर्ट में जाकर आप दोबारा बेल अप्लाई करें, लेकिन 3 दिन लटकाना, संडे बीच में आना, ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा रहा होगा। तो इस सारी चीजों को देखते हुए मेरे भीतर एक कंफ्यूजन, उसके साथ साथ एक मन में अवसाद, दुख, और साथ ही साथ ये कि किस तरह के हिंदुस्तान को हम मिलके बना रहे हैं जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं लगता कि ये कैसा हिंदुस्तान है जिसमें हम रह रहे हैं, मेरे कौन से राइट हैं। आज मेरे घर में पुलिस घुस के मुझे उठा के ले जा सकती है, तो मैं किसको जाके दुहाई दूं कि भाई तुम मुझे बचा लेना। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के सामने हो सकता है आप लोगों के विचार में भी हो, तो आप लोग उनको साझा करेंगे हमारे साथ। सीधे सीधे मुद्दे की बात ये है जिसने डिस्टर्ब किया, और बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर हैं कि पॉलिटिशियन भी हैं बीच में, ये मीडिया और पुलिस के रिलेशनशिप को भी आप देख पा रहे हैं, और अंत में मीडिया की स्थिति को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कहाँ पर वो मीडिया पहुंच। लेकिन एक प्रश्न और जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस सब में ये जितने चैनल्स हैं जो बड़ा दम भरते थे कि हम सेकुलरिस्ट हैं, हम प्रश्न उठाते हैं, हम सवाल करते हैं, और किस तरह से हिंदू आतंकवाद जो है सब जगह फैल रहा है और उसको रोका जाना चाहिए, जहां मुस्लिम्स की बात आती थी वो कभी प्रश्न नहीं उठाते थे और वहां आतंकवाद का कोई धर्म कभी नजर नहीं आया, और मोदी के ऊपर, मोदी गवर्नमेंट पे किस तरह से सवाल उठाते रहे, आक्षेप भी लगाते रहे, लेकिन आज वो इस चैनल के लिए ये जो कुछ घट रहा है इसके बारे में नितांत मौन है। और केवल यही मीडिया नहीं,
बल्कि इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी कई खबरें ऐसी छपी जो मिथ्या थी, जो फेक न्यूज की कैटेगरी में आती थी, लेकिन उनको छापा गया। तो क्या हम समझ लें कि मीडिया और पुलिस के आपस के रिलेशनशिप, जिनको डिक्टेट कौन कर रहा है, पॉलिटिशियन डिक्टेट कर रहा है, क्या ऐसा है? तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सुरक्षा की गारंटी देता है और कोर्ट्स हमें क्या कैसी प्रोटेक्शन दे सकती हैं? और नीचे कॉमन मैन की स्थिति आप देख सकते हैं, उनके चेहरों से पढ़ सकते हैं कि वो इस सब के बीच में कैसे कंफ्यूज्ड हैं और कैसे हताश हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक जो अंतिम बात कहकर के मैं आमंत्रित करूंगा विषय को आरंभ करने के लिए श्री अजय भारद्वाज जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ में। आप ये देखें कि प्रेस, पॉलिटिशियन और पुलिस का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। सारे का सारा जो है वो कहाँ से चल रहा है, पॉलिटिशियन प्रेस से रिलेटेड है और पुलिस फिर प्रेस से किस तरह से घूम रहा है, आप ये सारा देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसेस टू स्टोरीज एक्सक्लूसिवनेस, टिप ऑफ्स, मीडिया पॉलिसी ब्रेक्स, जॉब्स, ये सारी चीजें पॉलिटिशियन और प्रेस के रिलेशनशिप में है और प्रेस और पुलिस के बीच में है। फेवरेबल कवरेज, क्योंकि पुलिस को भी प्रोटेक्शन उस तरह से कई बार चाहिए होती है, और साथ ही साथ जो है उनके टिप ऑफ्स, जॉब्स, कंसल्टेंसीज, कॉलम्स, सप्रेशन ऑफ स्टोरीज, किस तरह के जो होते रहे हैं, ये सारे आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों ने एक लंबा इतिहास देखा है, चाहे वो इमरजेंसी का हो, चाहे उसके बाद का हो, उससे पहले का हो, आप लोग काफी जानते हैं उस विषय में, ज्यादा मुझे नहीं कहना। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मेरे ध्यान में जो चीजें आ रही हैं कि 14 से 2014 के बाद प्रेस और मीडिया में जो एक बदलाव आया है वो है कि जो पीएम ने अपनी एक दूरी बनाई, और वो दूरी भी कैसी बनी है कि उन्होंने मीडिया को अपनी एक तरह की स्टोरीज देनी इस तरह से बंद कर दी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आप पहले दे देते हैं तो उसके बाद अगर आप उस पर डिस्कशन होने लगती है तो वो लागू नहीं हो सकती। और दूसरा एक जो और साथ ही साथ जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, जो मैंने पढ़ा, मैं नहीं जानता सच कितना है नहीं है, क्योंकि वो मीडिया के थ्रू ही आता है, सोशल मीडिया या बाकी मीडियाज के थ्रू, वो ये है कि पीएम जो है चाय भी बाहर जाकर के अपने पैसे की चाय पीते हैं, किसी एयरपोर्ट पे रुकते हैं या कहीं पे रुकते हैं, वो कभी भी जो हॉस्पिटलिटी है दूसरे की उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि पहले मीडिया और प्रेस वालों के पास थी कि ये लोग जाते थे, पूरी इनको स्वतंत्रता होती थी, अपना हर तरह की इनको फैसिलिटीज और हॉस्पिटलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, वो इस गवर्नमेंट ने बंद कर दी है जहां तक मेरी जानकारी और मैंने पढ़ा। अब ऐसी स्थितियों में जब मैं देखता हूं कि उस पर आरोप लगते हैं कि भी मीडिया को सप्रेस कर दिया या मीडिया को दबा दिया, तो अभी तक तो कोई इस तरह की स्थिति, महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो मोदी के गवर्नमेंट में तो देखने में आई नहीं, लेकिन कहीं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कर दिया गया हो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी एसेस वहां तक नहीं है। मेरे तक जो सूचनाएं आती हैं, मेरे तक जो जानकारियां आ रही हैं, वो तो सोशल मीडिया है, टीवी है, या बहुत हद है तो अखबार या कुछ एक मैगजीन्स या जर्नल्स जिन्हें आप कहते हैं वहां से आती हैं। तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान घटनाक्रम है उस पे ही हम फोकस करेंगे। ये तो केवल मैंने एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि के रूप में आपको बताया कि जो मेरी परेशानी थी, मेरे भीतर ये जो एक डिसकंफर्ट की फीलिंग आ रही थी कि हम एज ए कॉमन सिटीजन, एज ए सिटीजन, एज ए क्वालिफाइड सिटीजन, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो क्वालिफाइड तो होंगे ही, तो एज ए क्वालिफाइड सिटीजन हमारा रोल क्या है? हम केवल देख सकते हैं, हम अंदर ही अंदर घुट सकते हैं, हम अंदर ही अंदर ये महसूस कर सकते हैं कि यार गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग कर कुछ नहीं सकते। लेकिन इसके साथ जो दूसरी और भी बड़ी जो तकलीफ थी वो है कि क्या मैं इस सारी स्थिति को सही पर्सपेक्टिव में देख भी पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा, या मैं भी बायस्ड हूं कि मैं एक चैनल को सुन रहा हूं तो दूसरे की बात नहीं समझ पा रहा, दूसरे की सुन रहा हूं तो तीसरे की नहीं समझ पा रहा। तो कुल मिलाकर के ये मीडिया, पॉलिटिशियन और पुलिस की ये जो स्थिति बनी है, जिसमें कोर्ट्स
बिल्कुल हॉस्टेज बन के रह गई हैं, कुछ कर ही नहीं पा रही। उसमें बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्थिति है वो क्या है, और आम आदमी की जो स्थिति है वो क्या बन रही है, और उसकी मानसिकता क्यों बन, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि ये सारा का सारा भारत की मानसिकता का भी निर्माण कर रहा है, 130 करोड़ लोगों की मानसिकता का निर्माण कर रहा है। ये एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं कि भविष्य हमारा क्या होने जा रहा है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रख करके मैं चाहूंगा कि मेरे लिए आप इस सारे विषय को निश्चित भी करें, निर्धारित करें, इसको समराइज भी करें, और जो सही प्रश्न इसमें हो सकता है, सही दृष्टिकोण हो सकता है, देखने के लिए जो एक आवश्यकताएं हो सकती हैं, वो आप हमारे लिए इन सब बातों को स्पष्ट करें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं अजय भारद्वाज जी को कि 5 मिनट में वो अपना इस सारे वक्तव्य को जैसे भी उनको लगता है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे प्रैक्टिकल फील्ड से हैं, तो नमस्कार, वो इस विषय धन्यवाद। को, जी, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें। ठीक धन्यवाद आशुतोष जी। है, हाँ हाँ जी सर। पहले तो क्षमा कि मैं ट्रेवल कर रहा था, तो इसलिए मोबाइल के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा जी, हूँ। बहुत सभी को नमस्कार मेरा। बहुत अच्छे तरीके से आपने विषय को रखा है, और इसके जितने आयाम हैं, जितनी डायमेंशंस हैं, उनको आपने बड़े गंभीर रूप से टच किया है। मुझे लगता है कि विषयों को जिस तरह से आपने टच किया है, तो शायद एक एक विषय को लेके हम एक एक चिंतन बैठक भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, प्रेस पुलिस का रिलेशनशिप है, जुडिशरी का क्या स्टेटस है, प्रेस पॉलिटिशियंस का क्या है, तो इस तरह से सारी चीज को समझने के लिए बहुत व्यापक रूप से आपने एक बात की है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समेट के आपने सारे विषय को रखा है। मैं अपना जो विचार है वो अर्णब गोस्वामी इंसिडेंट तक ही फोकस रखूंगा, और दूसरा ये है कि मुझे इतनी गंभीर समस्या नजर नहीं आ रही जितनी आपके शब्दों से प्रतिबिंबित हुई है। जुडिशरी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जिसके लिए सराहना भी होती रहती है। जुडिशरी को हम एक इंसिडेंट के थ्रू न देखने का प्रयास करें तो शायद हम सबके लिए एक सहज और अच्छा रहेगा, और एक ही इंसिडेंट को लेके सारे समाज को भी डिस्क्राइब ना करें, वो भी शायद एक हमें व्यापक अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। तो कमिंग बैक टू दिस अर्णब गोस्वामी इंसिडेंट, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने जल्दी से रखूंगा कि अबेटमेंट टू सुसाइड केस रजिस्टर हुआ है, जिसके बारे में शायद हम सब जानते हैं, और 2018 में हुआ था, और वो तब हुआ था जब बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट थी, और इसमें हम कोई राजनीति नहीं देख सकते। इट वॉज ए प्योर क्रिमिनल केस एज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एंड एज रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट ऑल्सो। पहले ये कोर्ट में गया था केस, और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अप्रैल 2019 में पाया गया कि इसमें कोई एविडेंस नहीं निकला, तो पुलिस ने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि हम ये कोर्ट केस को बंद करना चाहते हैं। तो अप्रैल 2019 में ये केस को शट कर दिया गया। जब दोबारा एक गवर्नमेंट आती है उद्धव ठाकरे की, तो पीड़ित जो बच्ची है, जिस परिवार के साथ इनका सारा कंट्रोवर्सी है, उसने दोबारा एक अपील डाली या उससे डलवाई गई, ये डिबेटेबल है, तो एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन एक बैकग्राउंड में शुरू होती है, क्योंकि अर्णब जिस तरह से विषयों को उठाते हैं, जिस अग्रेशन से विषयों को प्रस्तुत करते हैं, जर्नलिस्टिकली उन्होंने एक नया यार्डस्टिक तय किया है टीवी जर्नलिज्म में, दैट अग्रेशन एंड लाउड स्पीकिंग इज द वे टू एड्रेस। मैं एज ए पत्रकार बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए। हम बाकी चैनल्स भी देखते हैं, हम बाकी देशों के चैनल्स भी देखते हैं। जब कोई एंकर इस एग्रेशन से काम करता है, तो मुझे एज ए पत्रकार थोड़ा सा तो रेटलिंग होती थी जब भी मैं इनको देखता था, जब भी कोई भी विषय होता था। हालांकि विषय ऐसे लेते थे जो राष्ट्रीय भावना से जुड़े होते थे,
और उनमें राष्ट्रीय भावना को ही मतलब प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, एस्टेब्लिश करना एक उनका मंतव्य रहता था, जिस वजह से वो हम सबके प्रिय हैं भी और रहेंगे भी। और लेकिन जिस तरह से करते थे वो एक जर्नलिस्टिकली, मेरा उसमें मेरा मतभेद हो भी सकता है, लेकिन हम सब शायद उसके बारे में डिस्कशन कभी और भी कर सकते हैं। तो जो उनका एक अग्रेसिव स्टाइल था एज ए जर्नलिस्ट, वो सारा कहीं ना कहीं उसके कई फैंस भी थे और उसके कई एंटी भी थे। लोग जो फैंस थे वो बहुत पैशनेट फैंस थे, बहुत उनका बहुत अच्छा सराहना करते थे, जो नहीं करते थे वो उनको बहुत नफरत से थे। तो एक बड़ी सीधी सी लकीर बन गई थी समाज के अंदर कि आइदर यू आर विद हिम और यू आर अगेंस्ट हिम, यू कुड इग्नोर हिम बिकॉज द काइंड ऑफ चैनल ही वाज रनिंग, द काइंड ऑफ द वे ही वाज रनिंग, वन कुड नॉट इग्नोर हिम। तो ऐसे कई लोग हमें मिलते थे जीवन में जो उनके चैनल पे जाते थे, लेकिन यार जाने का मजा तो आता नहीं है क्योंकि वो तो हमें डांटता रहता है। तो ऐसे में वो एक सक्सेसफुल जर्नलिज्म था उनका, एक अपने तरीके का जर्नलिज्म था। और जब ये सुशांत केस हुआ तो उन्होंने एक लाइन पकड़ी, उस सुशांत केस को लेके, रिया चक्रवर्ती केस को लेके और बाकी सब चीजों को लेके, तो एक लगा कि एक तरीके से एक विषय को एक डायरेक्शन दी जा रही है जो पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल हो रही है महाराष्ट्र सरकार के लिए। और इस तरह से तो जाहिर है कि एक सीधी सीधी सी पॉलिटिकल लाइन बन गई थी बीजेपी और शिवसेना एंड एक्सेट्रा के बीच में। तो ऐसे में चलते हुए केस रिवाइव हो जाता है पुराना, केस रिवाइव हो गया तो देशमुख जो वहां के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सीआईडी को इंक्वायरी दे दी। सीआईडी की इंक्वायरी जाहिर है क्योंकि सरकार ने दी है, सरकार का मंतव्य क्या है वो सब पुलिस ऑफिसर जानते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का जो रुख है वो भी एक तरफ चलने लगा। अब मैं आपसे एक बात बड़े सीधे सीधे निवेदन करना चाहता हूँ कि अर्णब गोस्वामी का ये जो केस है इसके दो पक्ष हैं। जब हम अर्णब गोस्वामी की तरफ देख रहे हैं तो हम उसको दो तरीकों से हमें देखना पड़ेगा, एक है पत्रकार के रूप में और एक है सामान्य सामान्य नागरिक के रूप में। अब जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला केस है वो सामान्य नागरिक के रूप में उनके ऊपर आया था और फडणवीस की गवर्नमेंट में आया था, और वो इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने कोई 5 करोड़ की पेमेंट करनी थी किसी को और वो अकॉर्डिंग टू वट एवर केस इज वॉज नॉट मेड एंड दैट लेड टू द सुसाइड। वेदर दैट लेड टू द सुसाइड और नॉट, उसमें फिर कई ऑल वर्शन हैं। अर्णब ने कहा था कि मैंने 4 करोड़ उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे लेकिन उसके अकाउंट से बाउंस हो गए। वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आई। आई थिंक दे बिकेम द ग्राउंड ऑन विच द बेस ऑफ विच द केस वॉज शेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अप्रैल 2019। तो अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक समस्या ये होती है कि मैं अर्णब के साथ अभी जो हो रहा है वो एज ए पर्सन हुआ है, पुलिस केस, एज ए पत्रकार नहीं हुआ। लेकिन उसने एज ए पत्रकार एक ऐसी भावनाएं हम सबके अंदर जागृत कर दी थी, आइदर प्रो और एंटी, कि हम एक इंडिविजुअल सो कॉल्ड क्रिमिनल केस को लेके पत्रकारिता को डिस्कस करें। पत्रकारिता यहाँ कहीं नहीं डिस्कशन में आनी चाहिए क्योंकि हाँ, क्योंकि उसने पत्रकारिता के रूप में इस तरह से इश्यूज को उठाया, इस पैशन से इश्यूज को उठाया, इस कमिटमेंट से इश्यूज को उठाया, तो जाहिर है कि समाज के अंदर उथल पुथल होनी ही है और होती भी है। तो ऐसी स्थिति में अब आता हूं अरेस्ट पे। अब मुझे क्यों लगता है कि इसमें पॉलिटिसाइज्ड है केस ये सारा, वो इसलिए नहीं लगता कि अर्णब का केस पत्रकारिता के रूप में हुआ है। अब मुझे समझ आती है बात कि ये पॉलिटिकल केस है, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसमें पॉलिटिकल डिजाइन है। वो कैसे? जिस तरह से उसे अरेस्ट किया, सुबह 6:30 बजे उसके घर में पुलिस जाती है विदाउट एनी समन्स, विदाउट एनी वारंट्स, विदाउट एनी कॉल, चुप करके घर में जाती है और जाती भी उन लोगों के साथ है जो क्या कहते हैं वो, मतलब हार्डकोर पुलिसमैन है, जो मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं
और विमेन जा रही हैं, ये जा रहे हैं वो, तो पुलिस का जिस तरह से एक ग्रुप जाता है 20-25 लोगों का, उससे समझ जाता है कि पुलिस कहना क्या चाहती है। फिर आप जाते हो तो उसको घसीटते हो, उसके साथ हाथापाई करते हो, वो अपने राइट्स एक्सरसाइज करना चाहता है एज एन इंडिविजुअल, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि सामान्य नागरिक के नाते वो उसे नहीं किए कि मतलब ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट, एंड ही इज टेकन टू द जे, ही इज टेकन टू द कोर्ट एंड कोर्ट रिमांड हिम टू द 15 डेज जुडिशियल कस्टडी। तो ये जो प्रोसीजर है, इससे जरूर शंका पैदा हो रही है कि उसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब वो कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट से, जैसे आशुतोष जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया, एंटीसिपेटरी बेल है, हाई कोर्ट ने आज जो रिजेक्ट करने की ग्राउंड बनाई है वो तो कह दिया कि तथ्य नहीं है, मतलब सपोर्ट करने के लिए, और फिर उसे अलाउ कर दिया कि तू सेशन कोर्ट पे जा सकता है। अब हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो सेशन कोर्ट में क्या जाएगा वो? हाई कोर्ट को मेरे मुताबिक, मैं हालांकि जुरिस्प्रूडेंस का कोई स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को पहले ही कहना चाहिए था कि ये हमारे पास आने से पहले आप पहले सेशन कोर्ट में जाइए, सेशन से हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। एक सीढ़ी चलने का एक तरीका होता है किसी भी एग्रीव्ड पार्टी का, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले अपना जजमेंट दिया, अब उसे कहा है कि आप सेशंस में जाइए, आज उसने सेशंस में भी एप्लीकेशन लगाई। तो हम समझ सकते हैं कि जुडिशरी का जो रोल है, दिस इज ऑल्सो अंडर सस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो अंडर क्लाउड। पुलिस का रोल हम समझ गए हैं कि बिल्कुल ही पोलिटिसाइज है, पुलिस इस वक्त सरकार के हाथों में खेल रही है, और अर्नब के खिलाफ सिर्फ यही केस नहीं है जो पुराना निकाला गया, अर्नब के खिलाफ इस वक्त 6 केसेस चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक केस चल रहा है उसका इनसाइटिंग डिस अफेक्शन अमंग पुलिस, एक केस चल रहा है उसका टीआरपी स्कैम का, एक केस चल रहा है कि किस तरह से उसने पालघर मॉब लिंचिंग का केस अपने टीवी चैनल पर प्रोजेक्ट किया था, एक केस चल रहा है उसका माइग्रेंट वर्कर्स जो गैदरिंग हुई थी बांद्रा में, तो उसको उसने कैसे पेश किया था। तो इस तरह से कुल मिला के 6 पुलिस केसेस उसके खिलाफ चल रहे हैं। तो जाहिर है कि अर्नब के थ्रू जो सरकार है वो कुछ पॉलिटिसाइज करके अपना बात कर रही है, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक बड़ी बड़ी मतलब मैं तो कहूंगा ट्रेजिक है कि मीडिया पर्सन को टूल बना के इसको इस तरह से समाज को एक इमरजेंसी डेज की एग्जाम्पल देते हैं लोग, समाज को एक बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आइदर यू फॉल इन लाइन और यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अर्नब एज ए जर्नलिस्ट, अर्नब एज ए पर्सन, तो ये ओवरलैप कर गया इस केस में, तो वेल सिचुएशन अब ऐसी लगती है कि जुडिशरी भी, जैसे जुडिशरी ने आपने कहा कि एक तो मैंने पॉइंट किया कि उसको पहले कह देना चाहिए था कि सेशन कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद वो 5 दिन ले रही है अपना जजमेंट, पहले रिजर्व करते हैं। मेरे को तो सैटरडे को ही पता लग गया था जब उन्होंने भाषाई योग अपना प्रयोग की थी, अपना यूज की थी, कि ही शुड हैव गॉन टू द सेशन कोर्ट फर्स्ट, लेकिन अब हमारा जजमेंट आएगा लेकिन हम सेशंस को खुला छोड़ेंगे। तो सर्टनली कहीं ना कहीं जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, पुलिस आर ट्राइंग टू कॉर्नर ए जर्नलिस्ट हु इज इंसिडेंटली इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस विच इज येट टू बी रिजोल्व, और वो ऐसा जर्नलिस्ट है हु हैज अराउज पैशन इन द कंट्री, हु हैज रीडिफाइंड जर्नलिज्म इन मेनी वेज। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए हेडी कॉकटेल विच हैज बिकम टू अस इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र को लेके हम सारे देश का इडियम ऐसे हमें बयान नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र का में जो हो रहा है अर्नब के साथ, इट इज एन आइसोलेटेड केस ऑफ ऑल द 3 और 4 इंस्टीट्यूशंस, जैसे मीडिया इज अ फिफ्थ, नो सॉरी फोर्थ कॉलम, तो इट इज एन आइसोलेटेड केस, इसको लेके सारे समाज को नहीं हम एड्रेस कर सकते, क्योंकि जब राम अयोध्या मंदिर का वर्डिक्ट आया था तो हम सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन कुछ समाज के अंश हैं वो बहुत कह रहे थे कि बड़ा इसको खरीद लिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, इसको ये कर लिया गया, इसको वो कर लिया गया। तो जुडिशरी की जो टीका टिप्पणी है वो मुझे लगता है केस टू केस हम डिफर कर सकते हैं, केस टू केस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक केस को लेके सारे इंस्टीट्यूशन को
डिफाइन करने का प्रयास करने से हमें थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। और अभी हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि सारे जर्नलिस्ट के साथ ये हो रहा है, हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं। यस, लेकिन ये केस एक स्टडी केस है, आइसोलेटेड केस है, और इस केस में इट इज ए ट्रिकी मिक्सचर ऑफ क्राइम एंड जर्नलिज्म इन विच पॉलिटिक्स इज हैविंग ए फील्ड डे। ये मेरा जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा विश्लेषण और बिल्कुल स्थिर बुद्धि से आपने ये विश्लेषण हमारे साथ रखा है कि अर्णव एज ए जर्नलिस्ट एंड अर्णव एज ए कॉमन पर्सन, ये बात ठीक है और रैशनली इसको सोचा जाए तो बिल्कुल यही बात है। और लेकिन साथ ही साथ आपने ये जो ट्रिकी शब्द भी यूज कर दिया है कि ये जो कॉकटेल बना है कि पॉलिटिक्स, मीडिया और ये पुलिस का, और किस तरह से इस सारे को मिक्सअप करके जो है समाज में दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छा विश्लेषण है आपका, बहुत सधा हुआ विश्लेषण। और वाकई आपने पत्रकार के रूप में जिस तरह से सारे जर्नलिस्ट पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके हमारे साथ ये अपनी बात रखी है, वो प्रशंसा के योग्य है। मैं इस विषय पे और अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों से चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये ओपन हाउस डिस्कशन के रूप में हमारा आज की परिचर्चा है, तो ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में रखिएगा ताकि हम इसको एक निश्चित दिशा दे सकें। लेकिन अजय जी, एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि ये आइसोलेटेड केस, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आइसोलेटेड केस अगर ये होता तो सारे भारत पे ऐसा प्रभाव ये नहीं डालता। हम इन चीजों को इस तरह से बहुत अलग करके देख नहीं सकते, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो निश्चित ही बड़ा एक ड्यूबियस सा है। ड्यूबियस सा सा क्या है? ड्यूबियस ही है। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी टिप्पणी कर दीजिए और फिर उसके बाद हम आगे की बात जो है। सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अजय जी, माइक म्यूट है आपका सर। अजय जी, सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने को, मैं यहां से अनम्यूट नहीं कर सकता। आपकी स्क्रीन पे वो साइन बना हुआ होगा, आप वहां से कर सकते हैं अनम्यूट अपने को। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड केस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपने जो इसकी बैकग्राउंड रखी थी ना, परिभाषा, जी मतलब सारी इंस्टीट्यूशंस को लेके, तो जी जी मेरा आपसे या सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन यही है कि हमें इस इंसिडेंट को लेके हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जुडिशरी जो है वो इज नॉट जुडिशियस। हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि पुलिस पीपल आर क्रिमिनल्स एंड पुलिस पीपल डोंट, वैसे तो हाँ, खैर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कहना कि दे आर फेयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अच्छा, और दूसरा हमें ये भी नहीं कहना चाहिए। अब मैं इसको आइसोलेटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक हेडी मिक्सचर बन गया है अर्नब का पर्सनल क्राइम का। ठीक है, अगर देखो मैंने बाकी के 5-6 केसेस भी आपको जी जी बिल्कुल आपके साथ शेयर किए हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल केस है। जब अर्नब बांद्रा में माइग्रेंट लेबर को इकट्ठे देखता है मस्जिद के पास और पुलिस रजिस्टर करती है केस, वो समझ आ जाता है, वो ठीक है, वो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक है। जब पुलिस एक केस रजिस्टर करती है पालघर मॉब लिंचिंग केस के प्रोजेक्शन को लेके उसके ऊपर, वो जर्नलिस्टिक केस है, वो भी समझ आ जाता है। तो जो जर्नलिस्टिक प्रोफेशनल ड्यूटी जब वो अर्नब कर रहा है उसके ऊपर अगर पुलिस केस बनता है, तब शायद हमें एक चर्चा रखनी चाहिए कि जर्नलिज्म में कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में ये बाकी के जो 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं अर्नब के अगेंस्ट, वो जर्नलिज्म की वजह से हुए हैं। जी जी बिल्कुल एक बिल्कुल ही ये ठीक केस है
ये जर्नलिज्म के बेस पे नहीं हुआ है, ये उसके पर्टिकुलर, अकेला वो भी नहीं है, दो और भी उसके साथी हैं, तीन आदमी जेल में है एक केस में, लेकिन उन दोनों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है। उन्हें आदर्श रूप में हमें शायद ये डिस्कस करना चाहिए था कि वो भी तो मतलब अंदर है ना। अब हमने सिर्फ अर्नब को इसलिए लिया है बिकॉज अर्नब के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है, उन दोनों के साथ भी उतना ही अन्याय हो रहा है जितना अर्नब के साथ हो रहा है। उनको भी सुबह 5 बजे घर से घसीटा गया, दोनों को, उनको भी ऐसे जी धक्के मुक्के मार के लाया गया, लेकिन वो समाज में चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि वो समाज में हमारी जो जन चेतना है उसके साथ नहीं जुड़े हुए। अर्नब हमारी जन चेतना से जुड़ा हुआ है इसलिए हम उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अर्नब को इस केस में एज ए जर्नलिस्ट नहीं उठाया गया, एज ए जी पर्सन हु इज एलिजिडली इन्वॉल्व इन ए क्राइम उस पर उठाया गया है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये केस फडणवीस के टाइम पे रजिस्टर हुआ था, अगर वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज इतना अच्छा एंजॉय करता तो शायद ये केस रजिस्टर भी ना होता, तो पुलिस उसको हेल्प भी कर सकती। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को अलग देखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है जी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन वो जी बाद में आपने जो एक पॉइंट उठाया था वो बिल्कुल जी सही पॉइंट उठाया था। आवाज आ रही मेरी आशुतोष जी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर अजय जी, आपने जो बात की थी ना अर्नब के एग्रेसिव स्टाइल की, देखिए एग्रेशन जो है वो एक स्टाइल हो सकता है, लेकिन एग्रेशन जब डिसरिस्पेक्ट की तरफ को चल जाए तो वो जो है जो दूसरा जिसके खिलाफ वो यूज हो रहा है वो उसको वंडेटा के तौर पर यूज करता है। उसी दर्दा मैं मैं भाई तो बहुत साहब कम देखता हूँ इस चैनल को शुरू से, लेकिन जब कभी मैंने देखा वो, मैंने देखा वो उसके ऊपर कह रहा था, हे उद्धव, हे ठाकरे, आज तेरे को बताना पड़ेगा। उसी का नो चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट विल एक्सेप्ट के पब्लिक उसको सुन रही है, देख रही है और उसको इस तरह से संबोधित किया जा रहा है, दैट इज नॉट एग्रेशन, दैट इज दैट मैंने डिसरिस्पेक्ट। मैंने 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 इसीलिए जी मैंने इसीलिए ये निवेदन किया, मैंने जी इसीलिए जी निवेदन किया कि जी जो जी उसका जर्नलिज्म है, उसका जो जर्नलिज्म है सो उसके दैट बारे इज में शायद हम अलग से चर्चा कर सकते हाँ हैं। जी तो इसलिए वो लेकिन मैंने ऐसे उसका जो ऐसी बात जर्नलिज्म की है, कुछ देखो और। देखो हाँ जी हम कई चैनल्स देखते हैं, हम सीएनएन भी देखते हैं, बीबीसी जी देखते जी हैं, चाइना के चैनल देखते हैं, हम हिंदी के चैनल देखते हैं, पंजाबी के चैनल देखते हैं, हम जी अंग्रेजी के सारे चैनल देखते हैं, ठीक है ना। हर एक एंकर का एक अपना अपना स्टाइल है बात करने का, यस स्टाइल, ओनली स्टाइल, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हाँ हूं। जी पर उस स्टाइल में जैसे भी एक रवीश का, एक एक रवीश लेवल जो हो। रवीश का जैसे स्टाइल, एक रवीश हाँ का जी स्टाइल है, रवीश हाँ का बड़ा जी सहज सा बैठते हैं, हाँ मैं जी कंटेंट की बात नहीं कर रहा, सो डोंट जी जी कंफ्यूज द कंटेंट विद द स्टाइल। नहीं देखो इसका इसका मैं ये कह दो, रहा हूं कि इसका जो कंटेंट और स्टाइल दोनों इस तरह से मिक्स होकर जो दूसरी पार्टी है उसको जो है वो बड़े ह्यूमिलेटिंग लग रहे थे, ये मैं कहना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल ठीक मैं कह रहे वही हैं कह रहा आप हूं ना, इस केस में अर्नब का जर्नलिस्टिक ऑरा जो बनाया उसने, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो उसके पर्सनल लाइफ का जो क्राइम है उसमें इंटरमिंगल हो गया है। जी इंटरमिंगल होने की वजह से हम विवेक को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर आर के गुप्ता जी। सर मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं इस पूरी डिबेट में। आज ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली अर्नब गोस्वामी से संबंधित रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ के बारे में एक टिप्पणी की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चैनल न्यूज ना देकर ओपिनियन बना रहे हैं। जी एज ए जर्नलिस्ट जब आप न्यूज चैनल चला रहे हैं तो न्यूज दीजिए, जी जो उन्होंने टिप्पणी की है, नंबर एक। नहीं ऐसे नहीं होता, मैं एज ए पत्रकार आपसे शेयर करना हाँ चाहूंगा जी कि हाँ जी जब भी कोई पत्रकार व्यक्तिगत रूप से किसी भी इंसिडेंट के ऊपर जर्नलिस्टिकली बात करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सब्जेक्टिविटी रहती है, कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज देने का प्रयास रहता है। मुझे नहीं जानकारी कि किस कोर्ट ने ऐसा कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर कि कोर्ट ने आज कहा है आज तो ही किस, नहीं दिल्ली नहीं मैं हाई आपकी बात कोर्ट से, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हो रहा हूं, मैं आपकी बात को ड्यूली रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते हुए अपना मन मन दे रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट। जी कि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं किसी विषय पे टीका टिप्पणी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी रेप केस पे मैं टीका टिप्पणी करता हूँ, तो रेप का कोई केस है, रेप का केस डिस्कस करते करते मेरी संवेदना स्वाभाविक रूप से जो महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसके साथ जुड़ जाएगी, और मैं कहीं ना कहीं जो उसका यू नो somebody who has done it उसके प्रति घृणा रखूंगा मन में, चाहे वो दबा के रखूं चाहे खुल के रखूं।
तो अगर कोर्ट इसमें ये कहे कि जब अजय भारद्वाज रेप के केस की बात कर रहा था तो वो रेपिस्ट के साथ था, वो ओपिनियन बनाने का प्रयास कर रहा था, ऐसा नहीं होता। कोशिश रहती है, कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं कहता, इवन अर्नब गोस्वामी, जिसके बारे में हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं उसके स्टाइल के बारे में, उसके कॉन्टेंट के बारे में, उसने कभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि ये ठीक है वो गलत है। वो ठीक है, जैसे अभी भाई साहब ने पॉइंट आउट किया कि वो रिस्पेक्टफुली एड्रेस नहीं करता जिनके प्रति उसका कोई ना कोई मतभेद होता है, ये उसका स्टाइल है, लेकिन वो अंततः डिस्कशन तो करता ही है ना, जैसे वो प्राइम ठीक टाइम है, पे करता है, लेकिन या बटन क्या पे। तो स्टाइल के नाम पर, सर क्या स्टाइल स्टाइल है के नाम पर आप असत्य परोस सकते हैं? क्या उससे हम बड़ी बात, स्टाइल आप के स्टाइल नाम के पर, नाम पर यू क्या स्टार्ट अब्यूजिंग द पीपल, हम सर इट्स स्टाइल के टेरिबल। नाम पर किसी दूसरे की डिग्निटी को यस, नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैं उसके बारे में ऑलरेडी कह चुका हूं भाई साहब कि उसका जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, उसका जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, उसके बारे में चर्चा अलग से कर सकते हैं हम। मैं मैंने वही तो कह रहा आशुतोष हूँ जी सर। से भी, आशुतोष जी से भी निवेदन किया है कि जो स्टाइल ऑफ जी जर्नलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्नब, वी कैन हैव ए डिस्कशन ऑन इट सेपरेटली, लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है वो है कि अर्नब बिहाइंड द बार्स है और किन सर्कमस्टांसेस में है, और क्या वो इंस्टीट्यूशन सारी कोलैप्स कर रही है। जो आशुतोष जी ने भूमिका दी है हमें बहुत अच्छे तरीके से, हम अर्नब का जर्नलिज्म नहीं डिस्कस कर रहे ना, ये आज का जो विषय है, आशुतोष जी ने बड़े अच्छे व्यापक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ा, पॉलिटिशियंस को भी जोड़ा, पुलिस को भी जोड़ा, पत्रकारों को भी जोड़ा, तो उसमें एक व्यापक रूप है। तो हम इस चर्चा को, आज की को, थोड़ा व्यापक संदर्भ में ही रखें। और मैंने तो पहले ही कहा था अपनी वाणी में कि आशुतोष जी ने जितना आयाम बना दिया है, तो शायद एक एक विषय पे हम एक एक चिंतन बैठक कर सकते हैं। आशुतोष जी कुछ तो कहना चाहेंगे इस जो टॉपिक आप के कह ऊपर? रहे हैं वो बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं आपका भाई साहब, जी मैं जी एग्री विद यू, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ, जी लेकिन जी आज के विषय में उसको उसी पे केंद्रित करें तो मुझे लगता है हम विषय से भटक जी जाए। हाँ जी, ये टॉपिक पर अच्छा कुछ कहना चाहेंगे? सर, जरूर एक मिनट लेना चाहता हूँ सर, सिर्फ एक जरूर, मिनट, वो मैं केवल जन की मेरी टिप्पणी नहीं है जुडिशरी पर, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ मीन्स दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर, राइट एंड जस्ट, नॉट अनफेयर, अनजस्ट, ओप्रेसिव और विंडिक्टिव। अब यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, सिर्फ एक बात, कि मैं अपेक्षा करता हूँ एक कॉमन मैन की तरह कि अर्नब गोस्वामी को छोड़ दीजिए, द वे पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, वाज इट ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ? इसके ऊपर मैंने एक तो भाई सवाल साहब पहले ही मैं कहा था कहूंगा। कि जिस तरह से अरेस्ट किया गया उससे मेरे मन में शंका पैदा होती है। उसको अरेस्ट करना गलत नहीं मैं कह रहा, हाँ जी, हाँ मैंने, जी, आपने शायद मेरा ध्यान नहीं दिया, अजय मैंने जी वो यही, अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, आप अब उनको पॉइंट रखने दीजिए, वो अपना पूरा कर लेंगे पॉइंट। ओके हाँ जी ओके 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 मैं जी, सर सर सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मेरी वरी अर्नब गोस्वामी नहीं है, मेरा एक प्रश्न है वाइडर एस्पेक्ट में, कि जी इससे दो तीन चीजें सिद्ध हुई हैं अर्नब गोस्वामी वाले एपिसोड से। वो टेक्निकल बहुत हो सकता है कि पर्सन है, जर्नलिस्ट है, लेकिन इससे एक जो दो चीजें आई हैं सर, अभी आशुतोष जी ने भी कहा कि क्या आज नंबर एक मीडिया स्वतंत्र है, और जो टॉपिक था इनका कि पॉलिटिशियन का, पुलिस का, तो मेरा तो आशुतोष जी ये मानना है कि जी क्या जी आप बता सकते हैं पूरे 70 साल में सरकार किसी की आई हो, जी हर हर समय पुलिस अंडर कंट्रोल रही है पॉलिटिशियंस के, और जी ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पुलिस वाले भी अनेक बार मजबूर होता है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय इस केस को एक अच्छा केस बन सकता है कि क्यों ना हम एक अलग से टॉपिक पर ही विश्वास करके कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, कि जहां पर पुलिस इनके चंगुल से बाहर आ सके। जी यही बात है। गुप्ता जी, जी पुलिस रिफॉर्म्स जो है, नेशनल पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट जो है पिछले 2 डिकेड से पेंडिंग पड़ी गवर्नमेंट के पास, सरकारें आई चली गई, किसी ने उन रिपोर्ट को उठाकर देखा तक नहीं कि इसको में से क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। सही बात है, वोरा कमीशन की रिपोर्ट है। वो तो है, मतलब इसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो वो ये है कि पुलिस जो है वो स्वधर्म का पालन करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को फॉलो करने लगती है तो ये
निश्चित ही तकलीफ का कारण बनती है और ये इस केस में बड़े स्पष्ट रूप से उभर कर आई है। और भी बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं जहां पुलिस एट्रोसिटीज होती रही हैं, लेकिन मीडिया को आप क्षमा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आज तक मीडिया जिस तरह का पक्ष लेता रहा है, ओपिनियन बनाता रहा है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं वो तो सही हैं, आप भारत को गाली दे दें बाकी सब अपमानित कर दें वो तो ठीक है, जो मेजॉरिटी है उसको अपमानित और तिरस्कृत करते रहे वो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी पे आप सवाल कभी नहीं उठा सकते। अशोक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। जी जी जी, अजय जी ने जो बात कही है और गुप्ता जी ने भी बड़ी सही बात कही है अपने अपने एंगल से। जब हम बचपन में न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे तो जलंधर से जो है पंजाब में छपने वाले न्यूज़पेपर है वो हिंद समाचार कह लीजिए या मिलाप कह लीजिए, पंजाब केसरी होते थे। उनमें जो ना वो क्या है ना कि हमें मालूम होता था कि यश का निकला हुआ न्यूज़पेपर हिंदी हिंदी मिलाप जो भी होता था वो प्रो कांग्रेस विचारधारा रखता है, पंजाब के लाला जगत नारायण का प्रो जनसंघ विचारधारा रखता है, या कोई दूसरा होता था वो प्रो कम्युनिस्ट विचार रखता था। ये लोग जो थे ये एक विचारधारा रखते थे और उस विचारधारा के हिसाब से जो है अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे या एडिटोरियल लिखा करते थे। आज विचारधारा नहीं है, आज न्यूज़पेपर जो है आर ओल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिशियंस एंड द बिग बिजनेसमैन। आज विचारधारा कहीं है ही नहीं है। अब यहां मैं परसों चौथ एक फेसबुक पर छोटी सी आई थी, मैंने देख रहा था, मैंने शेयर भी किया है, होगी मेरे पास मैं शेयर कर दूंगा। एक पार्लियामेंट की डिबेट हुई जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी एक स्टेटमेंट दे रहा है, बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही। एलके अडवाणी ने कहा कि किसी फॉरनर ने उनसे पूछा कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है डेमोक्रेसी आई और चली गई, कहीं डिक्टेटरशिप हो गया, कहीं वो हो गया, आपके जो है एमरजेंसी भी लगी, वो सब कुछ भी है, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों कायम है? उन्होंने कहा क्योंकि हम एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि यहाँ पर ना मानने वाले नास्तिक जो थे, चार्वक थे, उनको भी हम महर्षि चार्वक के नाम से पुकारते हैं, ना कि ओए चार्वक के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे ये जो मीडिया हाउसेस जो है एक विचारधारा की बजाय एक एक बिजनेस हाउसेस और पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट हाउस की के आने अंडर आने की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं, अपने बिजनेस एम्पायर को स्प्रेड कर रहे हैं। तो कौन सी न्यूज से कितनी टीआरपी बढ़ती, कितना ऑडियंस बढ़ता, कितनी पब्लिसिटी होती, दैट इज द मेन एम, नंबर वन। नंबर टू, ये देखिए आप जितनी मर्जी डिस्कशन हम कर लें, ये बात सच है, ये सब कुछ सारा कुछ सत्ता का खेल है। आप मुझे बताइए कि तिहाड़ से लेकर जो है नासिक से लेकर या किसी भी जेल में उठा लें, कितने अंडर ट्रायल्स हैं जिन्होंने जो क्राइम जिस क्राइम जो उन्होंने किया भी हो, अगर वो प्रूव भी हो जाए, उसकी जो सजा अगर 7 साल है उससे ज्यादा जो है वो बिना ट्रायल के पड़े हुए, कौन उठाता उनके केस? कोई भी नहीं उठाता। अर्नब के केस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों अंडर ट्रायल्स जो हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं उनको कौन उठा रहा? ये आशुतोष जी सिर्फ सत्ता खेल है और कुछ नहीं है, और कॉमन मैन जो है आज भी लाचार है, बेबस है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, मनी मसल्स आर, उसके साथ एक चीज जुड़ गई, आइडियोलॉजी। मेरी आइडियोलॉजी मानोगे तो तुम मेरे साथ हो, मेरी आइडियोलॉजी नहीं मानोगे तो तुम मेरे खिलाफ हो। अरे ये क्या बात हो गई, फिर वो कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गए वो डिफरेंट व्यूज, कहां गए वो हो गए? तो ये जो है ये सब कुछ जो है एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, कंफ्यूज सिचुएशन है, और इट इज नॉट ए हेल्दी सिचुएशन एट ऑल। जी जी जनरल साहब, मैं आपकी बात से इसीलिए सहमत हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी बात का समर्थन भी कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज जो हैं और जो हमारा बिहेवियर है दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा, और वो इसलिए नहीं बैठ पा रहा क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन कभी अपने हिसाब से लिखा ही नहीं, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा ही नहीं, और उससे ये कन्फ्यूजन आज बड़ा जबरदस्त पैदा हो गया है, और मुझे लगता है कि इस विषय को हमें दोबारा से भी टटोलना होगा। अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अविनाश जी, जी सर, जहां तक मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था अपने जनरल साहब को और अन्य वक्ताओं को भी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके ऊपर जो केस किया गया है अर्णव गोस्वामी के ऊपर, वो प्रोसीजर के दृष्टि से अपने आप में गलत है। इसका प्रोसीजर है कि जब कोई केस क्लोज हो जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार पुनः खोलने के लिए पहले आपको कोर्ट से परमिशन ली जाती है और उसके बाद उसको आप रीओपन कर सकते हैं।
यहां स्थिति सीधे उल्टी हुई है। इन्होंने पहले काम शुरू कर दिया और बाद में एक सूचना कोर्ट को भेज दी और कोर्ट ने उसको केवल सीन करके छोड़ दिया। तो ये प्रोसीजरल रूप से ही ये जो केस है वो थोड़ा विंडिकेटेड मालूम पड़ता है अर्णब गोस्वामी के खिलाफ। हो सकता है उस केस में दम हो, एज ए मैन ही मस्ट हैव कमिटेड द रॉन्ग, लेकिन डिस्पाइट ऑल द थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट एनी न्यू केस अगेंस्ट हिम और रीओपन एनी केस यू विल हैव टू सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रायर टू रीओपनिंग। और इस प्रोविजन का इसमें गलत दुरुपयोग किया, मैंने गलत ढंग से उपयोग किया गया है। ये कार्य आरंभ किया गया उसके बाद उसकी सूचना दी गई जी। और दूसरी बात यह है जो ये पक्का बता रहा है कि ये पॉलिटिक्स और पुलिस का जो है नक्सस है, जो हमारे जो एक स्तंभ है पत्रकारिता पर एक भयंकर रूप से एक प्रहार किया गया। दूसरी बात यह है, ठीक है उनको नहीं मिला बेल, इसके लिए हमें कोई वहां पर भी अर्णब गोस्वामी के वकील से प्रोसीजरल गलती हो गई। जब उनका एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उनका बेल कैंसिल हो गया था, इट इज डायरेक्टिव कि आप सुपीरियर कोर्ट जाइए। सेशन कोर्ट में अगर जाते तो हो सकता है कि वहां उन्हें बेल मिल जाती। आपने सेशन कोर्ट को इग्नोर करके सीधे हाई कोर्ट में साल्वे साहब चले गए, इसीलिए। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या हुई कि हाई कोर्ट ने 2-3 दिन उनको वेट कराया और तब ये सारे निर्देश हुए। इन सारी चीजों में एक नेक्सस तो पता चलता ही है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह स्थिति इंदिरा जी के समय में आया था, लेकिन उसके साथ हम जनरल साहब की बात को मानते हैं कि थोड़ा उनका ऑफेंसिव जो वे ऑफ ये स्पीकिंग है दैट हैज ऑल्सो टू मैंने दैट हैज टू बी कंट्रोल, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी पत्रकार को जबरदस्ती पत्रकारिता से अलग करने के लिए या उसे माने डेटरेंट पनिशमेंट के रूप में ये सारा कार्य कर रहे हैं जी। अनुचित मुझे प्रतीत होता है जी। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी जयप्रकाश जी। सर आप अपने को अनम्यूट कर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर हाँ जी कहें। राहुल जी। हाँ जी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी मैं कह सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, क्यों नहीं। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, और मैं इस विषय को देख रहा हूँ एक सब्जेक्ट के व्यू से। और एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, जो शौरी सर ने कहा वो भी उसके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि वो कुछ थोड़ा डीप में भी जा रहे हैं सामान्य लोग की तरफ। दूसरा इसमें एक बात यह है कि अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए तो पहले अगर हम लोग देखे, एक मेमे देखा था मैंने कि पहले जो लोग है वो फेक न्यूज फैलाते थे 2010 के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे जो स्थिति है कि न्यूज ही फेक न्यूज फैलाती है और हम लोग जो है सामान्य वर्ग के लोग वो आपके न्यूज को करेक्ट करते हैं। ये मेमे था, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। दूसरी बात रही जर्नलिस्ट की, तो जो भी है NDTV इंडिया और बहुत 2-3 है NI वगैरह, उनको छोड़ दें, तो जो रियल पॉइंट है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, GDP ग्रोथ और कितने सारे इश्यूज है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन बात करने के लिए इन लोग के पास टॉपिक जो होते हैं वो TRP से रिलेटेड, लाइक ये चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, लाइक पाकिस्तान की GDP जो है हमारे LIC का अगर जो पूरा फंड उठा लेना तो पाकिस्तान का GDP उतना, तो हमारा पाकिस्तान से कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फुकट में हम लोग उसको दर्जा दे रहे उतना। वो बात हो गई। और दूसरी यह है कि जर्नलिस्ट में जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे। एक फेमस केस हुआ था दिल्ली में, आपको याद रहेगा, सरबजीत सिंह का, जिसके अंदर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था, लड़की ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा था, 3 साल के बाद एक्विटल हो गया। जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस बंदे के ऊपर हर एक चैनल ने स्टोरी बनाई, उसको क्या क्या नहीं बोला, रावण बना दिया, सरे आम उसको, मतलब मीडिया ट्रायल के अंदर ही इतना मतलब बदतमीजी की कि उसकी जॉब चली गई, कि रेपुटेशन बर्बाद हो गई। लेकिन बाद में क्या हो गया, लड़की तो बाहर सेटल है, फॉरेन में अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है, लेकिन उस बॉयज के बारे में 2-3 ही न्यूज चैनल रह गए शायद से, या फिर उसने ही खाली बताया कि क्या हुआ, एक्विटल कैसे हुआ, उनकी जर्नी क्या हुई है। सो और दूसरी एक बात जो फेक केस के बोल रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे फेक केस होते हैं, लाइक एग्जाम्पल ले लूँ तो फैमिली लॉ के अंदर अगर कोई प्रैक्टिस करता होगा
498A हो गया। और जो बात रही जर्नलिस्ट की, तो एक फेम आपको याद रहेगा विनोद दुआ, अभी लॉकडाउन के अंदर ही उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा था। तो जो भी अभी इतने जो पॉलिटिकल लीडर जितना सामने आ रहे हैं, विनोद दुआ के टाइम पे क्यों नहीं आए? विनोद दुआ को आप शायद जानते होंगे, अगर आप जर्नलिस्ट की हाँ बात करें, एक अच्छे पत्रकार है वो, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगना मतलब जो सच को रिप्रेजेंट करे उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगते हैं, और जो फेक न्यूज फैलाते हैं उनको कुछ नहीं होता है। देन ठीक आफ्टर मैं एक कहना चाहूंगा, इसके अंदर पुलिस अंदर प्रेशर है कि नहीं, इट इज अ डिबेटेबल, बट अगर उसको करेक्ट करना है तो उसके लिए कोर्ट है। अगर इफ इलीगल है तो कोर्ट उसको देखेगी, उसके ऊपर डिसाइड तो कोर्ट ही करेगी। और दूसरी बात यह कि जो भी मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट है, मैं मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट को इतना प्यार करता हूँ कि मतलब क्या ही बोलूँ। एज अ लॉ स्टूडेंट भी मतलब मैंने देखा है कि जो भी जजमेंट है वो बहुत सोचे समझे रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। जी। तो उन्होंने अगर कोई जजमेंट दिया है तो बहुत सारे फैक्ट्स को देख के दिया होगा, और इसमें मुझे लगता है नहीं ये टाइम की पॉलिटिकल प्रेशर है। और अगर पॉलिटिक्स है इतना, तो जो पहले एनआरसी हो गया या फिर कितने सारे ऐसे जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है या फिर ऐसे एक्टिविस्ट है उनके ऊपर यूएपीए सेडिशन और कितने सारे ऐसे चार्जेस लगे, तो तभी जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्यों चुप थी। तो ये एक मुझे लगता नहीं ये पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। और अगर जस्टिस अगर कोई भी हो, अगर किसी के बोलते हैं ना घर पे आग लगती तो उसको पता चलता है, तो जिसके भी वजह से उस जो लड़की है जो आंटी है उनके पति ने आत्महत्या की, तो उनको जी पता ना कि वो मेंटल प्रेशर में थे कि नहीं थे। और अगर जी उनका जो डिसीजन जो भी उसके वो गिल्टी है कि नहीं वो तो कोर्ट देखेगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में गया। तो हमको लगता है नहीं कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए नॉर्मली जर्नलिज्म जर्नलिस्ट ने, क्योंकि जी ये जो टॉपिक है ये कोई एक टॉपिक नहीं है, इसकी वजह से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। जो मेन टॉपिक है जो अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, जॉब ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखनी चाहिए। तो वो तो देखे नहीं जा रहे, और ये मुद्दा भटकाने के लिए इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, ये मेरा जी ओपिनियन जी है जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि सिर्फ जीडीपी से हम देश चला लेंगे या एम्प्लॉयमेंट के इश्यू से हम देश चला लेंगे, ये देश नहीं बनाते। ये देश राइट की एक स्ट्रक्चर को तो देते हैं लेकिन देश की आत्मा नहीं बनाते। जी हर कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है वो सारे देश को बेच खाएगा, ऐसे मेरे ख्याल है राइट आपने काफी केसेस पढ़े होंगे, है ना? तो इसलिए जी देश को ये बनाने वाले, देश की हाँ आत्मा जो बनाते हैं, देश की जो भावना बनाते हैं, वो मुद्दे भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि उसके स्ट्रक्चरल हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक हमें हमें समझना होगा और इनकी सीमा को भी समझना होगा कि ओवरलैप ना करें, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो पक्ष भी जरूरी है। जी, तो जय आपकी भी प्रताप जी। बात सही है सर, लेकिन कैसा होता है कि सर जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट है उसका असर जो होता है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे भी होता है। हमारे एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है कि 100 में से कितने लोग हैं हमारे इंडिया में वो हैप्पी है, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स अगर देखे तो 2014 के बाद में गिर ही रहा है सर। हाँ और जी हाँ दूसरा जी है जो जीडीपी के अंदर भी जो कैलकुलेशन है वो मैथ उन्होंने चेंज कर दिया है, भले उसके वजह से जीडीपी के वजह से मुझे डायरेक्टली फर्क नहीं गिरेगा लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क गिरता है। जी जी और सर एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं पुरुष हूँ आप पुरुष हो, हाँ हम लोग बात करते हैं महिला सुसाइड करती है, हम लोग को ये अगर टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे न्यूज का एडिट 4 में पर 4 मिनट एक बॉय सुसाइड करता है, एक मेल पर्सन सुसाइड करता है, रीजन इज अ फेक केस लाइक 376 498 है, देन डेट होता है उसके ऊपर लाइक कर्ज, लाइक किसान हमारे बहुत सारे हैं मेंटल प्रेशर की वजह से। आज देखो महाराष्ट्र में एक ने सैलरी से कम थी तो उसने सुसाइड कर लिया। जी तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, इसके ऊपर विषय करना चाहिए, लेकिन कोई भी जो न्यूज वाले वो दिखाते ही नहीं है, ओनली हम जी लोग यही दिखाते हैं एक तरफा न्यूज। यही तो तो ये भी दिक्कत थोड़ा आ रही बंद है। होना चाहिए ये ये मुझे लगता अर्णब है। गोस्वामी उसी का एक रिएक्शन है, जो आज तक ये प्रणब राय और ये राजदीप सरदेसाई और ये सारे जो लोग करते रहे हैं, ये उसी की एक प्रतिक्रिया जो है वो उभर के आई है। उस पर जब हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से, तो वो मैं जरूर उस पे चाहूंगा कि आप उस पे भी बात करें। तो जयप्रकाश जी की बात को लेते जी हैं ताकि समय का भी हम ध्यान रखें थोड़ा सा।
सर थोड़ा सा मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैम अभी जयप्रकाश जी के बाद। हाँ धन्यवाद आशुतोष जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगा कि काफी लोगों ने अभी तक जो बोले हैं उन्होंने इस चर्चा को या तो ये कह दिया कि ये चर्चा रखनी ही नहीं चाहिए थी, या वो जो कुछ भी अर्णव के साथ हो रहा है उसको ठीक मानते हैं और जुडिशरी को ज्यादातर लोग ठीक मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा व्यू पॉइंट इन लोगों का कैसे है, और जुडिशरी यदि कुछ गलत कर रही है, जुडिशरी का मतलब एक जज है, एक जज है या फिर जितने भी जजेस हैं, और जज एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, वो व्यक्ति वो मनुष्य उतना ही प्रिजुडिस हो सकता है, उतना ही सब दुराग्रह ग्रस्त हो सकता है जितना एक आम व्यक्ति है, वो व्यक्ति उतना ही भ्रष्ट हो सकता है, उतना ही देशद्रोही हो सकता है जितना कि बाकी के सेकुलर कहलाने वाले, लिबरल कहलाने वाले लोग। तो जहां तक अर्णव का प्रश्न है, अर्णव की एग्रेशन ठीक है, कई बार मुझे भी ठीक नहीं लगती होगी, किंतु क्या पत्रकारिता के जो नियम है उसका ये उल्लंघन है? और यदि ये उल्लंघन है पत्रकारिता के नियमों का, तो क्या कभी जो पत्रकारिता को कंट्रोल करने वाले जो संगठन है, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड है, चाहे वो PCI है, और चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, क्या उन्होंने कभी इस बात को टोका? अथवा बाकी जितने चैनल्स हैं या बाकी जितने न्यूज़पेपर्स हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, वहां पर लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन पर कोई रोक टोक है क्या, या उन पर कोई किसी तरह की कोर्ट्स इस तरह का व्यवहार करती हैं क्या? कोर्ट्स की जहां तक बात है, बड़ा हास्यास्पद है ये बात एक व्यक्ति ने यहाँ पर कही है कि वो उस पर जो ये केस, जिस प्रकार से जिस केस के अंतर्गत उसकी धरपकड़ हुई है, और वो केस क्लोज हो चुका था और बिना कोर्ट की अनुमति के वो खुलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस केस को न केवल खोला गया बिना अनुमति के खोला गया, बल्कि अर्णव को जिस प्रकार से अंदर डाला गया और जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, और जो निचली कोर्ट में जब उसकी पेशी हुई और निचली कोर्ट में वो कहते हुए कि ये केस हमारी अनुमति के बिना खुल ही नहीं सकता था और इसका कोई उससे संबंध भी नहीं है, तो भी उसको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया। हाई कोर्ट 4 दिन से उसकी बेल को टाल रहा है। बेल को टालने का क्या मतलब है? जो बड़ी कोर्ट्स बड़े आराम से कन्हैया जैसे लोगों को, चिदंबरम जैसे को, ये माँ बेटा जो इटली वाले हैं इनको, और तीस्ता सीतलवाड़ को फोन पर ही केवल जो बेल दे देती है, वो कोर्ट उसको बेल के लिए इतना टाल रही है, वो बेल नहीं दे रही है, और आज फिर उसको लोअर कोर्ट में भेज दिया। जो कोर्ट, जो महाराष्ट्र कोर्ट हाई कोर्ट सलमान को बिना राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट को पढ़े, या जो भी वो कोर्ट थी उसको बेल दे देती है, वो कोर्ट 4 दिन तक अर्णव की बेल एप्लीकेशन को टाल रही है। क्या इसमें कोई इनकी मैलिफाइड इंटेंशन नजर नहीं आती? और अगर नजर नहीं आती है तो मैं कहूंगा ये बहुत दुख की बात है, और आगे आगे बहुत कुछ हो सकता है, हमारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, इस बात के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है, सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि जब जब किसी ने ये जो नैरेटिव कम्युनिस्ट का और सेकुलरिस्ट का क्रिएट किया हुआ है उसके अगेंस्ट जब जब किसी ने जाने की कोशिश की है तो उसको उठा लिया गया है, उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए हैं और उसको कई दिन जेल में रहना पड़ा है, चाहे वो कोलकाता का केस हो, चाहे वो और पूरे देश में इस प्रकार के केसेस हो। फेसबुक पर, ट्विटर पर एक मीम शेयर करने के लिए एक लड़की को उठा लिया गया था बंगाल की सरकार में, जबकि इतना कुछ 13 वर्ष 14 वर्ष तक नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कितना कुछ जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उन्होंने कितना कुछ नहीं कहा, किसी का कुछ नहीं हुआ। कोर्ट्स ने
किस प्रकार से, और पुलिस ने किस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा कल पुरोहित कैसा उनके साथ व्यवहार किया, उसके लिए कभी कोर्ट्स ने उनके कार्यकाल में कभी भी कुछ नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ ये बहुत बड़ा एक इनजस्टिस हो रहा है, और मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि कोर्ट जस्टिस करती। कोर्ट जस्टिस बिल्कुल नहीं करती, कोर्ट न्याय नहीं करती है। कोर्ट अपने जो उसके पूर्वाग्रह हैं, उनका जो विचार है उसको इंजाम करती। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद मैडम डॉक्टर पूनम जी। जी जी सर, सर सबसे पहले तो मैं बधाई भी क्या मैं बोलूं, मैं इस बात के लिए आपकी बहुत ऋणी रहूंगी कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। सर मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगी जो बात अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही है कि एग्रेशन की बात आई। सर एग्रेशन होता है, ये एग्रेशन जनमानस का है, अर्णव का सारा एग्रेशन हमारे जनमानस का है। जब मुझे आज सुबह नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड से मेरे एक साथी के द्वारा पता लगता है, जब वो गिड़गिड़ा के मुझसे कहते हैं कि मैम आप लोग भी मदद करिए, यहां बच्चियों को उठाया जा रहा है, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, उन्हें मिशनरीज उठा करके ले जा रही हैं, तो सर एग्रेशन होता है। जब प्रज्ञा ठाकुर टीवी पर आकर के बोलती हैं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताती हैं, तो सर एग्रेशन होता है। जब 7 साल के अर्णव के बच्चे के ऊपर भी चार्ज लगाया जा रहा है तो सर एग्रेशन होता है। वो आदमी जनमानस की आवाज है, मेरी मां का रोना कल से नहीं रुका। और आप देखिए कि अगर कल मेजर बख्शी ने इस बात को ना उठाया होता कि क्यों तलोक जेल उनको लेकर के जाया गया, क्या सरबजीत कांड करना है, तो सर वो कांड भी हो सकता था। ये एग्रेशन की चीजें हैं। और मैं मानती हूं कि ठीक है वो बदतमीजी के रेंज में उनके आ जाते होंगे कई बार डायलॉग्स, लेकिन सर आप देखिए कि हम क्या कर पा रहे हैं। उनको जब जुडिशियल कस्टडी में दिया गया तो पुलिस कस्टडी में वो कैसे पहुंच गए। और सर मेरी एक मित्र है, सुबह मेरी उनसे बात हुई है, मैं जुडिशियली बिल्कुल कुछ नहीं जानती हूं, बिल्कुल शून्य हूं। वो AGA है, उसने बताया है कि हाईकोर्ट में जज को स्वतः संज्ञान लेने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट से जज ले सकता है, प्रेसिडेंट बिल्कुल करवा सकते हैं इस बात को। और जो अभी जयप्रकाश सर की मैं बात सुन रही थी, मैं बिल्कुल उनको मतलब नतमस्तक हूं उनकी बात के आगे, और मैं बिल्कुल उन्हीं की बात से सहमत हूं। सर ये बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, ये महाराष्ट्र लेवल की नहीं, ये बहुत हाई लेवल की है। इसमें अर्णव के उठान को देख करके, उसके राइस को देख करके भी मामला हो ससकता है। और सर क्या ये जो AK-47 वगैरह लेके गए, अभी आपसे बात करते करते मुझे ध्यान आया कि क्या विकास दुबे एक नजीर बन रहा है क्या, क्या अर्णव गोस्वामी विकास दुबे की कैटेगरी में आ रहा है जो यूपी में हमारे हुआ है, तो सर क्या ये चीजें नजीर बनेंगी अब कि आप किसी के ऊपर 6 केसेस। अभी तो सर जजमेंट नहीं हुआ था ना, जब जजमेंट नहीं था तो उनको रिया को आप देते हैं गेस्ट हाउस में रहने के लिए, शौभिक और रिया गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, इनको उठा करके आप हत्यारों के बीच में छोड़ रहे हैं जहां पे अंडरवर्ल्ड का मामला है। सर मेरे अंदर तो बहुत एग्रेशन है, मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से बोल रही हूँ, और मैं कहीं अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रही। घर के जो हमारे युवा बच्चे हैं वो अपने को कहीं सुरक्षित नहीं पा रहे। अगर कोई मिस हैपनिंग हम लोगों के साथ होती है, हम सर कहाँ जाकर के अपनी बात कहेंगे, हम पुलिस में नहीं कह सकते। मेरा एक एक्सपीरियंस महिला आयोग का भी रहा हुआ है, मेरी कुलीग के साथ प्रॉब्लम हुई थी, वहां भी नहीं कह सकते। तो आप ये बताइए कि इस भारत देश में हम कहाँ सुरक्षित हैं आम आदमी की हैसियत से। बस सर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं जी जी मैम मुझे लगता है मैडम ने कहा कि हम कहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वही तो चीज मैं कह रहा हूं। हजारों हजारों लाखों अंडर ट्रायल्स जेलों में पड़े हुए हैं, कौन उनकी बात उठा पा रहा है? वो आज से 10-10 सालों से पड़े हुए हैं, कोई उनकी बात नहीं उठा पा रहा, वो बस पड़े हुए हैं। तो ये मैडम आप इसमें सिंपल सी बात है, ये है पॉलिटिक्स। हम पॉलिटिक्स की कई दावपेच जो है हम समझते नहीं है। हम जो है हम सभी लोग बहुत जो है इमोशनल है, संवेदनशील है, क्योंकि हमें कंसर्न है समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए। पॉलिटिशियंस को किसी से कोई कंसर्न नहीं है, आप इस बात को समझिए। पॉलिटिशियंस तरह तरह के लबादे पहनकर आ रहे हैं हमारे सामने, और हम लबादों को लेकर चकाचौंध हो रहे हैं। बिल्कुल चकाचौंध भी हो रहे हैं हम, जो है इंप्रेशन भी आ जाते हैं। लेकिन ये एक सच है कि सैकड़ों हजारों लोग अंडर ट्रायल्स की आप जो है फिगर उठाकर देख ले, वो बेचारे जेलों में फंसे हुए आज से बिल्कुल सजा की मियाद भी खत्म हो चुकी है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉलिटिशियंस जो है वो है, और मैंने इस पर मेंशन भी किया, पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी गेम खेलते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आज जो इशू है
वो अर्णव गोस्वामी का। बाकी लोग ठीक है, लोगों के ऊपर जो जेलों में है उनके उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं ये बात नहीं। जयप्रकाश जी, इन्होंने शुरू में कहा था आज का विषय सिर्फ अर्णव का नहीं है, विषय उससे बहुत बड़ा है। विषय बड़ा है लेकिन उभरा वो वहां से है, उस घटनाक्रम से उभरा। लेकिन और आगे जाने से पहले मैम डॉक्टर रूपिका जी की बात हम सुन लें। रूपिका बनोट जी जलंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। सर मेरे मन की आधी बातें तो जयप्रकाश जी और पूनम मैम ने कह दी है, लेकिन अग्रेशन के बारे में मैं अपने कुछ व्यूज जरूर ऐड करना चाहूंगी। वो ये कि हम सुदीप पचौरी जी का नाम जानते हैं, हम जी को तो एग्रेसिव कहते हैं और उनकी अभिव्यक्ति, हालांकि पत्रकारिता में कोई ये नियम नहीं है, अपनी बात को रखने के कई ढंग हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, तो सुधीर पचौरी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल जी ने कहा कि जीडीपी को लेके होना चाहिए, दूसरे विषयों को लेके होना चाहिए, तो हमने देखा है कि वो अपने चैनल पर हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करते हैं, बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं, लेकिन उनको भी टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। और हमारे देश में सर ऐसे लोग हैं सामान्य वर्ग से भी, सत्ताधारी वर्ग से भी, जिनके ऊपर मुकदमों के इतने अंबार हैं कि अगर हम उसकी फरिश्त बनाने लगे तो पाकिस्तान में कागज खत्म हो जाए, तो उनकी बेल बेल होती रहती है, उनको मौके मिलते रहते हैं, तो अर्णव के साथ इतनी जल्दबाजी? जी जी बहुत सही प्रश्न है आपके, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको हम आगे और बढ़ाएं और फिर उसके बाद इसको समापन की ओर लेके चलेंगे। किसी और की कोई टिप्पणी कोई है? एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी जरूर। उन्होंने कहा था अभी कि कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है वगैरह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमको राइट मिले ना, जो अभी गिरफ्तारी के पहले अर्णव गोस्वामी बोल रहा था कि मुझे वकील से मिलना वगैरह, तो ये राइट जो मिले है, एक डीके बासु का केस है, शायद मैं गलत ना हो रहा है, वो केस है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क एक जजमेंट में आता है, उस केस के अकॉर्डिंगली ये सारे हमको राइट मिले। हाँ, कस्टडी में डेथ होना या इलीगल कस्टडी, ये मुद्दे तो आजकल भी चल रहे हैं आफ्टर ये लैंडमार्क जजमेंट के बाद में, लेकिन जुडिशरी जो है उसने अपना काम किया, अभी ये पुलिस के ऊपर आता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, यही तो प्रश्न है। बहुत सारे केसेस है जो बात कर रहे थे मैडम कि उनको इधर रखा गया उधर रखा गया, आपको बता दूं ऐसे भी लोग हैं सामान्य वर्ग के, जो लोग है ना, मतलब जो हम लोग बैठते हैं एक टॉयलेट सीट के ऊपर, जितनी जगह होती है बैठने के लिए इंग्लिश टॉयलेट सीट के ऊपर, उस जगह पे बैठ कर सोते है, वैसे में ही उनकी मौत हुई है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस है। तो ये वो एक्चुअली अर्णव गोस्वामी है तो इसके लिए उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे, लेकिन कोई अगर गरीब वर्ग का मरता ना तो कोई ध्यान नहीं देता, अगर कोई पुरुष मरेगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, हाँ अगर कोई लेडीज होती अगर वैसे तरह से मरती तो सब बोलते हाँ देखो ये लड़की थी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कोई बॉयज ऐसे बहुत सारे है, और जो लैंडमार्क जजमेंट मिला था वो एक बॉयज के वजह से मिला था, तो ये जो होता है ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जो कि वो नहीं कर रही। गवर्नमेंट से नहीं होगा, पुलिस चौकी में हम लोग जाते हैं राहुल जी, जो हम लोग पुलिस चौकी में जाते हैं तो वहां पे हाँ राहुल जी वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है जो गवर्नमेंट के बस की नहीं है, पुलिस वाले को देखकर हमें विश्वास नहीं होता, डर लगता है, उससे बचना हम चाहते हैं। और रही बात कि हमने व्यवस्था वो बनाई है जहां पर हमने एक तरह से मेजोरिटी को ह्यूमिलेट करने का काम किया है, और ये उसी के अब परिणाम 70 साल के बाद उभरने शुरू हुए हैं कि इस तरह से एग्रेशन एग्रेसिव जो पत्रकारिता है वो हमारे सामने उभर कर आ रही है, और कोई कारण नहीं है ऐसा। 70 साल में हम यही महसूस करते रहे हैं कि भाई हम लोग तो अत्याचारी हैं और हम लोग ही सारे दूसरों पर दुराचार करते हैं, ये उसके परिणाम है। और ये बात सिर्फ अर्णव की नहीं है, वो तो है कि कोई दलित होता तो दलित के नाम से देखो कैसे आता है, लेकिन वही कोई सवर्ण का मिल जाता है, तो ऐसे हर चीज के उदाहरण हजारों हजार हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या हम व्यवस्था को समझते हैं और क्या हम व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ सुझा सकते हैं या हमारी कोई समझ बनती है व्यवस्था के बारे में।
सर कोई तो कारण होगा सारे इमोशनल होकर के खड़े मैं अर्णव के साथ में, और सर मैंने रवीश को खुद बोलते हुए सुना है कि अगर लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे ही कह रहे हैं कि मुस्लिम आ जाएंगे मुस्लिम राज्य हो जाएगा, अरे तो हो जाएगा तो क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, ये वर्ड सर मैं एक एक वर्ड सही बता रहा हूँ, ये मैंने खुद सुना है। तो ये कौन सी पत्रकारिता, ये किस कैटेगरी में आती है, मुझे ये नहीं समझ में आता सर। जी 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 ठीक है मैम, आपकी बात सहमत है, ये इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास काफी सारे इश्यूज अब खुले हैं सामने, लेकिन हमने इसे समेटना भी है, क्योंकि बातचीत वही सफल होती है जो पहले खिलती है और फिर बहुत बढ़ती है और फिर उसको हम समेटते हैं। और पुरानी भाषा में इसको कहते थे कि गाय की पूंछ की तरह, कि शुरुआत होती है फिर वो फूलती है और फिर वो समेटी जाती है। तो मुझे लगता है कि हम, अगर किसी और की कोई टिप्पणी है तो वो कर सकते हैं और फिर हम लास्ट में एक बार कंक्लूड करेंगे। हाँ जी रोहतास जी। नमस्ते सर, मैं बहुत पीड़ित हूँ और जो 3P3 का जो मामला है यहाँ पुलिस, इसमें सर मैं व्यक्तिगत उदाहरण देके इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि जो आम सामान्य आदमी होता है जी, उसकी तो थाने में कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती जी। हमारा परिवार इस चीज का भुक्तभोगी है। दूसरी बात, जो रसूखदार होते हैं वो नाजायज भी 15 धाराओं में FIR तक लिखवा देते हैं जी। मेरा भाई डिप्टी कमिश्नर था सहारनपुर में, उसके बंगले का ताला तोड़वाया उसके ससुर ने, और हमारी, हम दोनों भाई SP के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे, हमारी कंप्लेंट तक नहीं ली उन SP ने। ये जो समाज का पर्यावरण बनता हुआ जा रहा है। दूसरी बात में जुडिशरी की बताता हूँ, मेरी भतीजी का केस जो माइनर थी 7 साल से नीचे थी, कानून ये कहता है कि जहां बच्चा पढ़ रहा होगा वहां उस पर मुकदमा चलेगा, लेकिन पावर के आगे सारा मुकदमा कुरुक्षेत्र में चला और हम 5 साल उस मुकदमे को वहां ले जाने में जहां बच्ची पढ़ रही थी हम सक्षम नहीं हो पाए। कहने का भावार्थ ये कि ये सारी जो मीडिया है, जो पुलिस है, जो जुडिशरी है, ये सब रसूखदारों की है, आम आदमी इसमें पिसता ही रहेगा। इसको बदलने के लिए तो क्रांति की आवश्यकता है। एक पॉइंट मेरा खत्म हुआ। दूसरी बात सर ये मैं कहना चाहता हूं, ये जो 21वीं सदी है, सांसारिक वैश्विक उदाहरण दे के मैं स्पष्ट कर सकता हूँ इस बात का, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बात ही रख रहा हूँ सर। ये 21वीं सदी मुस्लिम सदी है सर, इसमें मुस्लिम नहीं रुक पाएगा। अरे हिंदुस्तान में जब तक एकत्रित नहीं होंगे, चाहे अर्णव का मामला हो चाहे और किसी का मामला हो, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि आदित्य ठाकरे ने उस लड़की को नंगा फेंका ऊपर से, और ये सरकार अर्णव के मामले के अंतर्गत उस पाप को ढक रही है। यहां तक मुस्लिम साम्राज्य की बात होते हुए इस प्रकार आगे बढ़ रही है, आवाजों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा, काटा जा रहा है। तो सर ये बातें क्रांति के द्वारा या एकत्रित होकर ही रुक पाएंगी, मेरा इतना ही कहना। नमस्कार जी, जी धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसी और ने कोई टिप्पणी करनी है तो करें, नहीं तो फिर अंत में जो है हम जो जूनल का मैटर आपने बोला, हाँ जी 7 ईयर माइनर का आपने बोला, उसके लिए आपको एक बार जूनियर एक्ट पढ़ना चाहिए। एक बार जूनियर एक्ट पढ़ लो और अगर उसके अनुसार भी नहीं होता है तो जूनियर के लिए बहुत सारे प्रावधान है जी, तो आपको उससे जस्टिस मिल ही जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें अफकोर्स मिलेगा, एक बार जूनियर एक्ट देख लेना और लैंडमार्क जजमेंट बहुत सारे उसके अंदर है। जजमेंट भी आए उसके अंदर ये था जी। जी जी ठीक बात है। हाँ जी डॉक्टर रमेश मदान जी, मुझे आखिरी वक्ता है, उसके बाद इसको हम बस में संक्षेप में बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष जी, आपने जो इश्यूज रेज किए इन कंटेम्प्रेरी सिनेरियो, जैसा कि अभी विकास जी ने कहा, अजय सर भारद्वाज जी ने अपना पीस दिया, पूनम जी की बात, जो सूचना हमें मिल रही है विभिन्न स्रोतों से, आज के इस परिप्रेक्ष्य में जिस मुद्दे को आप उठा के जा रहे हैं, हम ना हिंदू की बात कर रहे हैं ना मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत जो भी सिस्टम है, नेक्सस है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं,
इस संदर्भ में मेरी एक इस सारी चर्चा परिचर्चा के दौरान सभी से निवेदन है कि यदि जो सूचनाएं आ रही हैं डिफरेंट सोर्सेज से फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल लोकल ग्लोबल महाराष्ट्र, वो ये आ रही है कि इन्हें तुरंत अर्नब जी को यदि तुरंत वहां से ट्रांसफर नहीं किया गया दिल्ली कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में, तो कुछ भी अर्नब के साथ हो सकता है, पूरे गैंग के साथ हो सकता है। आज जरूरत है कि उनको तुरंत वहां से ट्रांसफर किया जाए, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन। दिस इज माय हम्बल सबमिशन इन एडवांस। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, कोशिश सारी ये थी कि अर्णव के प्रकरण ने जो हमारे भीतर एक डिस्टरबेंस पैदा की है, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये समाज के लिए एक अच्छा संकेत है कि समाज इससे डिस्टर्ब हुआ, और समाज जो है जिस व्यवस्था को अपने ऊपर लाद के चल रहा है वो उसको देखे, सोचे, समझे और तदनुकूल अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है या उसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है तो वो उसके लिए प्रयास होने चाहिए। और निश्चित रूप से अर्णव के साथ हमारी जो सहानुभूति है या उसके साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं वो इसलिए है कि वो मेजॉरिटी जो इस हिंदुस्तान को अपनी माँ समझता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, इस भारत को जो अपने साथ जुड़ा हुआ समझता है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बेशक जीडीपी और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, वो बाकी चैनल हैं करने के लिए, वो आपको इसी चीज में उलझाए रखना चाहते हैं कि देखो जी इन चीजों के बारे में बात करो। और जैसे ही वो आप उस पक्ष पे आते हैं कि भाई भारत क्या होता है, वहां वो सब छोड़ जाते हैं। लेकिन इस तरह के चलिए सिस्टम है, और आपकी एक तरफ भावनाएं हैं, एक तरफ इंटेलिजेंस है, एक तरफ इंटेलेक्ट है, दोनों चीजों को हमें ठीक से समझना है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं अजय भारद्वाज जी के लिए कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, और अंत में जो है जनरल साहब जो है इस सारी बात पर अपनी अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, और फिर हम इस सेशन को, सत्र को, चर्चा को समाप्त करेंगे। जी अजय जी, अनम्यूट करिए सर अपने को। जी जी, धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया, एक सेकंड। और मैं आप सभी सज्जनों के विचार सुन सका। काफी प्रेरणादायक विचार सुनने को मिले मुझे। मेरा केंद्र सिर्फ अर्णव तक था, इसलिए मैं इस समस्या को व्यापक रूप से एनालाइज मैंने नहीं किया, बट यस, सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से समाज में जो एबिरेशंस आई हैं, समाज में जो वरीसम ट्रेंड्स आए हैं, समाज में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पार्टनरिज्म एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये सर्टेनली एक साधारण जो नागरिक है उसमें असुरक्षा की भावना आती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा जी, और जी। हमें इतने निराशावादी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरूर सिस्टम में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलती है जो हमें आगे ले जाती है। जहां तक मीडिया के बारे में आप सबने चर्चा की है, मैंने बड़े ध्यान से सुना है, आपसे निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि मीडिया इस वक्त राइटिस्ट और लिबरल्स के बीच में बहुत सीरियसली डिवाइडेड है। एग्जैक्टली। आपने बार बार ये कहने का प्रयास किया कि इस तरह से मीडिया नहीं करता। हमें समझना चाहिए कि जो मीडिया है ये पिछले 60 साल से एक ही विचारधारा में कोडेड होके निकला है। अब इसको जब कोई नेशनलिस्टिक परिभाषा में रख के किसी इशू को दिखाया जाता है तो पॉपुलर मीडिया फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू अब्सॉर्ब। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर अब पेनिट्रेट करनी शुरू हुई है। हमारे अंदर दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं आती है, अब आने लगी है तो हम उसको मीडिया में भी देखना चाहते हैं, हर जीवन के हर आयाम में देखना चाहते हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी साइन और अच्छी बात है, इसमें से जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।
ये सिर्फ क्राइसिस मीडिया में नहीं है, आप लोग शिक्षक हैं, मैंने अभी आप सबको सुना, आप लोगों में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो लोग मैं कैसे समझाऊं, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव थिंकर्स फ्रॉम द एजुकेशन क्लास बनते हैं, दे आर ऑल्सो लिबरल्स। अभी तक नेशनलिस्टिक थॉट को लेके शिक्षक को भी जागृत होने की आवश्यकता है। शिक्षक नेशनलिस्टिक थॉट को लेके जागृत होगा तो बच्चे भी जागृत होंगे। आज तक हमने प्रयास ही नहीं किया है, हमने हमेशा अकबर को महान कहा है। अब इस सारे लेसन को हमें अनलर्न करना है, हमें एंग्लिसाइजेशन ऑफ हमारी जो सिविलाइजेशन हुई है उसको भी अनलर्न करना है, हमें अपने भारतीयता को दोबारा ढूंढना है, भारतीयता में दोबारा जाना है। तो ये बहुत लंबा संघर्ष है, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे सजग लोग जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे तरीके से अपने विचार रखे हैं, हम एक दिशा में जा रहे हैं, हमारे अंदर विचार आया है और ये विचार समाज में हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसे स्प्रेड करें, एंड इट विल सर्टेनली गिव अस गुड रिजल्ट्स। देयर इज नो नीड टू गेट पेसिमिस्टिक अबाउट इट। और पत्रकारिता में भी संघर्ष एक चल रहा है, मैं थोड़ा सा राष्ट्रवाद की जब भी कभी पत्रकारों में बैठ के बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे फटाफट एक तरीके से डिसमिस किया जाता है। तो मैं व्यक्तिगत जीवन में ये सब देख रहा हूँ होते हुए कि ये निक्करधारी हो सकता है, ये हो सकता है, तो दैट इज अ वे। हालांकि मैं बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने व्यवसाय को जीने का प्रयास करता हूँ, और लेकिन ये सब चलता रहेगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कि राइटिस्ट थॉट को हम डिफरेंट स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज रैटलिंग द सिस्टम, इट इज रैटलिंग द ऑल पार्ट्स। तो होपफुली इट विल हैपन। अमेरिका में भी हुआ है, ट्रंप जितने देर प्रेसिडेंट रहा है तो जितने भी पॉपुलर मीडिया ग्रुप्स हैं, CNN है, इंडिपेंडेंट है, वॉशिंगटन पोस्ट है, सबने उसका बॉयकॉट किया, सबने उसका मुखौटा उड़ाया। तो ये एक समस्या है जो शायद हमें जूझनी पड़ेगी, और हमारे अंदर संस्कार है, हमारे अंदर सांस्कृतिक शक्ति है, एंड वी शैल बी द विनर्स। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने संक्षेप किया, और आगे के लिए भविष्य के लिए आपने हमारे लिए बातचीत करने का एक मौका और छोड़ा है, और संभावनाएं हमेशा शेष रही हैं, ये भारत की विशेषता रही है। और संवाद करना जो है मुझे लगता है कि यहीं से हमने सीखा है, उसके लिए हमें बाहर या हमें और तरीकों से सीखने की जरूरत नहीं है कि संवाद कैसे करना चाहिए। तो इसको समापन की ओर अग्रसर करने से पूर्व मैं निवेदन करूंगा मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी से। एक शब्द हाँ जी, सॉरी टू इंटरफेयर। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस विचार को लेके ये गोष्ठी आयोजित की, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और सब लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, हालांकि मुझे आशा नहीं थी कि हम इतने लोगों का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन मैं सबको अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ, आशुतोष जी को भी और सब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं चाहूंगा कि इस परंपरा को हम आगे लेके जाएं और सशक्त बनाएं ताकि सामाजिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में वी कैन प्ले अ मोर पॉजिटिव रोल देन व्हाट वी आर डूइंग। जी 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 सर, बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी हु पार्टिसिपेटेड, एंड आशुतोष जी आपको स्पेशल। सर कांग्रेचुलेशंस की बजाय ना ये मुझे कहें, मुझे ये शुभकामना दें कि ये आग जिंदा रहे, ये आग जल्दी बुझे ना। ये चीली आपने लगाई तो घास फूस भी आप ही लाओगे। ठीक है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैनी कांग्रेचुलेशंस। डायरेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को कि वो आप सबका धन्यवाद ज्ञापन भी करें और अपनी बात रखते हुए उस रखें, और फिर हम जो है सभा का विसर्जन करेंगे, इसको पूर्ण करेंगे। जी धन्यवाद आशुतोष जी। अजय जी हैं कि चले गए? नहीं नहीं हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने जो है गागर में सागर की तरह बात कही है। हालांकि आप हमारे साथ पहली बार जहां तक मुझे लगता है जुड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बहुत 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 टॉपिक्स के ऊपर जो है पिछले 3-4 महीने से ऐसी बड़ी इम्पॉर्टेंट डेलिब्रेशंस करते आए हैं, और कम से कम मेरा ख्याल हम 25-30 से ज्यादा जो है ऐसे टॉपिक कवर कर चुके हैं,
और आपके मतलब के अभी कई टॉपिक थे, हम उन टॉपिक्स को जो है दोबारा जरूर करना चाहेंगे जिसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट काफी एक्टिव हो। एक हमने वेबिनार किया था पीपल पावर एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कर तो लिया था लेकिन हमें लगा था कि इसको और अच्छी तरह से करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बताई है, मैं भी बचपन में जो इतिहास जब पढ़ता आया हूँ तभी से मैं भी बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया कि अकबर दी ग्रेट है तो फिर वो महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी की भी लड़ाई भी लड़ता है, और हम हल्दीघाटी की लड़ाई की कहानियां कैसे जो है उन्होंने लड़ी और कैसे बिल्ला आकर उनके बच्चों से वो निवाला छीन कर चला गया और उन्होंने घास खाकर जो है वो युद्ध लड़ा, तो भी इन दोनों में से जो कौन था हमारा, अकबर महान मेरा था या राणा प्रताप मेरा था, ये सारा कंफ्यूजन जो है इतिहास की किताबों में रहा है जो सिलेबस तक ही सीमित रहा। और बचपन में तो नहीं, जब कॉलेज में गया था तो दास कैपिटल भी पूरा पढ़ा था दोनों वॉल्यूम, और उस वक्त जो है कम्युनिस्ट और नेक्सलाइट मूवमेंट पंजाब में बड़ी एक्टिव होती थी और लोग कहा करते थे कि जिसने अपनी जवानी में जो है जो कम्युनिस्ट नहीं है सम लोग के उसका दिल नहीं है, और जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट फिर भी बना रह गया सम लोग के उसका दिमाग नहीं है, क्योंकि ये बात मैं उस वक्त सुना करता था। और मोटा कांड में बसों के शीशे भी हम जो है तोड़ा करते थे कि ये सरकार निकम्मी है, अब हमें जेपी की तरह आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन लेकर आनी चाहिए। ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आशुतोष जी टॉपिक जो आपने उठाया था हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाए आज जी। अब जो है हम तकरीबन 5:35 से हम जुड़ गए थे, हम एक अर्णव के केस की जो है वो लीगल चीजों के ऊपर अर्णव के चारों तरफ ज्यादा घूमने लग गए। प्रो अर्णव या एंटी अर्णव की बात नहीं है, बात थी जो है ये संवैधानिक लोकतंत्र में जनसंचार राजनीति में पुलिस के अंतर संबंधों का निष्कूटन, इनका जो है जो नेक्सस बना हुआ है, हम नेक्सस की बात नहीं कर पाए। हम क्यों नहीं नेक्सस की बात कर पाए, हमारे मन में क्या पूर्वाग्रह है कोई, हम कोई प्रो नहीं है, हम कोई एंटी नहीं है, हम एक टॉपिक उठाना चाहते हैं। आप इस बात को मान लीजिए, आप इस बात को मान लीजिए कि बहुत ही कम रेयर टाइप के पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे जिनका मकसद जिंदगी में इस समाज और देश को ऊंचा उठाना है। आपको 90% पॉलिटिशियन ऐसे मिलेंगे जिनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है, ये सिर्फ एक बिजनेस है, और यही बिजनेस जो है वो एक नेक्सस क्रिएट करता है। एक हरियाणा का बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर मेरे बैच का ही है, अब तो रिटायर हो चुका है, रिटायर्ड सेक्रेटरी, वो मेरे को कहा करता था जब वो डिप्टी कमिश्नर था इधर अंबाला में और कहा में कि भाई ये जितने भी रात को हाईवे के ऊपर डकैतियां होती हैं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पुलिस वाले करते हैं, ये पुलिस वाले ही करते हैं। और इसी तरह से गुप्ता जी, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी जजमेंट में, उन्होंने लिखा था द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग इन दिस कंट्री इज द पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस को प्रोटेक्शन कहां से मिलती है, उसका गठबंधन किसके साथ होता है, पॉलिटिशियन के साथ। तो पुलिस पॉलिटिशियन और ये सारा मामला है सत्ता का और खेल का। हम सभी मैं बहुत जल्दी इमोशनल होकर जो है हम कई चीजें कह देते हैं या कहना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को मानिए कि ये एक बहुत बड़ी गेम जो है पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन खेल रहे हैं और हम अननेसेसरी इमोशनल होकर एक तरफा उकतरफा हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन क्या करें हम अपने समाज अपने देश को जो है ऐसे हम देखते रहे, हम क्या उसको नीचे जाने देंगे, क्यों नीचे जाने देंगे, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जागरूक हैं, हम अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाएंगे, हम ऐसे फोरम के जरिए जो है नेक्सस को उभारने की कोशिश करेंगे, लोगों में जागृति करेंगे, अपने जितने 10 20 25 50 लोगों के साथ मिल सकते हैं उनमें एक रैशनल थॉट प्रोसेस लाने की कोशिश करेंगे कि दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग व्यूइंग द थिंग्स इन ए रैशनल मैनर। हम अपने बच्चों को जो है मॉरल हाई मॉरल देंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे। हम जितने भी आज हैं इसमें हम शामिल हैं, काफी लोग जो है रिटायर हो चुके मेरी तरह, वी शुड बी एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी कि ये देश ये समाज ये संस्कृति ये भारत ये हिंदुस्तान जो मर्जी नाम ले लो ये हमारा है, ये किसी विदेशी का नहीं है, ये किसी बाबर का नहीं है, किसी हुमायूं का नहीं है, किसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है, ये हमारा है। लेकिन हमारे का मतलब क्या है, हमारे का मतलब कि जो इसकी परंपराएं हैं इसके जो संस्कार हैं उनमें से जो अच्छी चीजें हैं उनको हम इंप्लीमेंट भी करें और आगे भी लेकर चले, उसके लिए हम एग्जाम्पल बने। तो ये जो मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो टॉपिक है ये टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो
ब्रेक करके या सब ब्रेक करके नेक्सस की तरफ को हमें चलना चाहिए। और उसी बात पर फिर लेकर आऊंगा जो आशुतोष जी आपने शुरू में की थी, भाई इसका बेस क्या है? इसका बेस है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गुप्ता जी मुझे याद नहीं कितनी बार जो है वो अमेंड हो चुका है, पता नहीं 70 बार 75 बार 80 बार, भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर साल में 2 बार अमेंड हो जाता है। और अमेंड भी इसलिए हो जाता है क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं यहां कहूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी, ऑफकोर्स उसमें कांग्रेस का रूल ज्यादा रहा है, उनको अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस को अमेंड करने पड़े। तो ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका बेस क्या है? 5 बार हो चुका। कितनी बार? 70 नहीं सर, 105 बार। अब ऐसा ना मैं गिनती भूल गया। और आपने बड़ी अच्छी सजेशन दिया है कि वो कौन सी नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमें उस दिन एक वेबिनार जो है प्लान करना चाहिए, जरूर करेंगे। तो आशुतोष जी ये सारी चीजों का जो फिर बात वही आ जाती कि ये बेस क्या है? बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें लगता है कट एंड पेस्ट। तो हम कर क्या रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान, आप बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ, कांग्रेस, भूल जाइए। मैं ना कांग्रेसी हूं, ना मैं जनसंघी हूं, ना मैं आरएसएस का हूं, ना मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। और मुझे इस चीज को कहने में कुछ भी वो नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी आइडियोलॉजी का नहीं, लेकिन अपने देश, अपने समाज, अपने इस हिंदुस्तान की मिट्टी, इसकी हवा से मुझे उतना ही प्यारा है जितना ही कांग्रेसी और जनसंघी को हो सकता है। तो बात आइडियोलॉजी की नहीं है, बात है अपने आप को किस तरह से सही तरीके से पेश करने की। क्या हम सभी लोग अपनी लाइफ में ईमानदार हैं, सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं? अगर हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं तो फिर जो है हम ये इधर उधर में जो है हमारा सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन जो आशुतोष जी ने ये बीड़ा उठाया है, कुछ मैंने काम शुरू किया है, गुप्ता जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर पूनम गेही भी यहां पर बैठी है, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च का काम ही यही है, इन टॉपिक्स के जरिए हम पॉलिसी में एक सजेशंस के तौर पर आगे फोरम को भेजें। जैसे कि हमें लग रहा है आशुतोष जी 3-4 वेबिनार कर चुके हैं और गुप्ता जी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, अब समय आ गया हम कहें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें थी जिनकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है, जिनको इस तरह से अमेंड करने की जरूरत है, गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनर्स को इस तरह के लाने की जरूरत है, मॉरल कंडक्ट को इस तरह से लाने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस ये चीजें चाहते नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। एक नरेंद्र मोदी क्या करेगा? एक अकेला प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? यस, ही कैन लीड एंड ही इज लीडिंग, लेकिन उसके साथ हमें और लोगों को भी झिझोड़ना होगा कि ऐसे बनो। और हम सब लोग जो है इस तरह के फोरम के जरिए एक आवाज उठाएं, ये मैं बात आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। कुछ इधर उधर की भी कह गया, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आज सुबह से जो है मैं 3 घंटे की मीटिंग कॉलेज में भी करके आया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा। मैं बड़ी मुश्किल से जो है आशुतोष जी का आया कि मैं भी 5:30 बजे है, मैं 4 बजे आया, खाना खाकर चाय पी, उसके बाद मुंह धोकर फिर बैठ गया। तो हो सकता है मैं कुछ इधर उधर का भी बोल गया हूं, लेकिन यही मैं अपने दिल के विचार आपके साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद शौरी साहब, और धन्यवाद तो श्री अविनाश जी का, डॉक्टर रमेश मदान जी का, रोहतास जी का, और डॉक्टर पूनम घई जी, और उन्होंने तो एक कविता भी हमारे साथ साझी की है, आप लोग चैट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, बड़ी सुंदर कविता है। और उनके साथ साथ मैडम रूपिका भनोट जी ने भी एक मुक्तिबोध की कविता को रेफर किया है, अच्छा होता वो इसी में चैट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर लेते। अंधेरे आज भी उतनी ही जो है प्रासंगिक है, निश्चित रूप से वो मुक्तिबोध का तो सारा रचना संसार ही इस तरह का है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोग डिस्टर्ब होते हैं तो चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से आगे की कोई दिशा निकलती है, रोशनी हमें कुछ दूर दिखाई दे जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हम इस विषय पर एक निश्चित मंतव्य जो है वो सरकार को या समाज में हम आगे दे सकेंगे। तो आप लोगों ने जितनी भी बातें की हैं वो हमारे लिए बड़ी मूल्यवान रही हैं, मैं निश्चित रूप से आभारी, व्यक्तिगत रूप में आप सबका आभारी हूँ, और सभी के जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनके प्रति, वो मेरे
आभार को स्वीकार करें, और ये मैं कोई औपचारिकता के लिए नहीं कह रहा हूँ, सचमुच हृदय से मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आप लोग अपना समय निकाल करके और अपनी एनर्जी के साथ इसमें शामिल होते हैं, बातचीत करते हैं और चर्चा को अग्रसर करने का मौका देते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इन सब बातों के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये चर्चा थी, इसमें मैंने कोई लिंक नहीं भेजा है आप लोगों को, और अगर कोई आवश्यकता होगी तो कल मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं तो वो कल हो जाएगा। बाकी आगे की बहुत सारी चर्चाएं हैं जो हमें करने वाली हैं, और जल्दी ही हम एक दो कोर्सेज भी करेंगे, बुद्धिज्म के ऊपर एक कोर्स के लिए मैंने कहा है प्रीलिमिनरी कोर्स के लिए प्रोफेसर अविनाश जी को, और इसी तरह जैनिज्म के ऊपर, जैन बौद्ध दर्शन के ऊपर भी एक कोर्स जो है 3 दिन का या 4 दिन का जो आचार्य पद्म मुनि जी लेंगे, और इसी तरह के कुछ और कोर्सेज जो हैं वो हम लोग इस जल्दी ही शुरू करेंगे, थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि इस वक्त क्लासेस का भार भी बहुत ज्यादा है। तो इतनी बातों के साथ मैं आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। कोई टिप्पणी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं बाद में मेरे साथ। आशुतोष जी, जी सर, आपको एक और तीसरे के बारे में बताइए ना कि वो बहुत जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग। जी जी हाँ, उस पे भी एक चर्चा रखनी है हमने, कि क्वालिफाइड सिटीजन और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हम लोग जल्दी ही कुछ ना कुछ करेंगे। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि वो काम के बीच में से अपने समय को निकालना और थोड़ा विचार करने के लिए चाहिए समय, तो निश्चित रूप से निकालेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर भी अभी जल्दी ही विषय आ जाएगा आप लोगों के पास, तो चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है अब शाम को ही मिला करेंगे क्योंकि सुबह का समय तो अब बचता नहीं, तो शाम को हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और फिर दोबारा मिलने के लिए अब हम सभी विसर्जित होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, शुभ रात्रि सबको। नमस्ते सर। नमस्कार रोहताश जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर मदान, डॉक्टर गुप्ता जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मदान जी कमेंट बहुत अच्छे थे जो उन्होंने भेजे हैं, तो उनको मेरी ओर से जरूर धन्यवाद दीजिएगा। और जो अजय भारद्वाज जी का जो था, इतना बेस्ट था, जो वाकई प्रशंसनीय ही के साथ साथ बहुत ज्यादा विचारणीय भी था, तो मेरी ओर से विशेष रूप से धन्यवाद दीजिएगा। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम नीलम चौधरी जी, राजेंद्र मल्होत्रा जी, उमा जैन मैडम, आभा खेत्रपाल जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। चंचल शर्मा जी, थैंक यू सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, रियली थॉट प्रोवोकिंग आल्सो। यस इंडीड, थॉट जनरेटिंग, थॉट प्रोवोकिंग, व्हाटएवर यू मे से, इट वाज अ वेरी नाइस परिचर्चा। इसमें दो एंड इट इज द नीड ऑफ टाइम, इफ वी डोंट माने hold to all these things, the things will go astray also. It was the demand of the day, it was the need of the time. Thank you sir once more. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you everyone. आप सब लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद then I will close down the meeting.